धन्यवाद राजकुमार जी। आणि आपण ज्यासाठी इथं आतुरतेने आला आहात आणि ज्या कार्यक्रमाच्या प्रतीक्षेत आहात, आजचे वक्ते श्री राजीवजी दीक्षित यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजचं आपला व्याख्यान सुरू करावं। तत्पूर्वी एक अनाउंसमेंट है कि नागरिक बंधु, इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री शास्त्री जी, मेरे सहयोगी श्री केतन भाई, राजकुमार भाई बरड़िया, संदीप वैद्य और यहाँ की पशुधन बचाओ समिति के सभी माननीय सम्माननीय सहयोगियों, मैं आपके शहर सोलापुर के लिए नया नहीं हूं, बहुत बार मैं यहां पर आया हूं, लेकिन आज आपसे एक विशेष संदर्भ में संवाद करने आया हूं। मैं महात्मा गांधी के गांव से महात्मा गांधी का संदेश लेके आया हूं। महात्मा गांधी का गांव सेवाग्राम है, वर्धा जिले में, मैं वहीं रहता हूं। गांधी जी का आश्रम मेरा निवास स्थान है, वहां से एक संदेश लेकर विशेष संदर्भ में आया हूं। वो संदेश ये है कि जब आजादी मिलने का समय तय हो गया और अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी कि वो भारत छोड़कर चले जाएंगे, तो उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी, जो भारत का सबसे प्रमुख व्यक्ति था, जिसका नाम था माउंट बेटन, उसने गांधी जी को एक मुलाकात लिया, भेंट किया। ये घटना है सन 1946 की और महीना था दिसंबर का। गांधी जी को माउंटबेटन ने एक प्रश्न पूछा, बहुत गंभीर प्रश्न था। उसने कहा कि बापू, अभी भारत आजाद हो जाएगा, अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे, तो आपके मन में सबसे पहला कौन सा काम है जो आप करेंगे भारत में? अंग्रेजों के जाने के बाद, अंग्रेजों की सरकार चली जाने के बाद, आप कौन सा ऐसा काम है जो सबसे पहले करना पसंद करेंगे? मान लो कि हम सब चले गए अंग्रेज, अब आप बताएं कि क्या करेंगे? राजकारण ठीक करेंगे, अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, भारत के नेताओं को जो नैतिक रूप से कमजोर हैं उनको दुरुस्त करेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, क्षेत्रीय व्यवस्था में काम करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले? गांधी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सरकार जाने के बाद मैं कलम की पहली नोक से भारत के सब कत्ल खाने बंद कराऊंगा। सबसे माउंटबेटन को बहुत आश्चर्य हुआ, उसको आश्चर्य हुआ कि यह क्या उत्तर दिया है इन्होंने। उसको अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा उत्तर गांधी जी से मिलेगा। उसने फिर प्रश्न किया, बापू, कत्ल खानों की जो समस्या है भारत में, इससे भी ज्यादा बड़ी कई समस्याएं, गरीबी की है, बेरोजगारी की है, भूखमरी की है। भारत देश में उस जमाने में आप जानते हैं हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे, वो एक बड़ी समस्या है, सांप्रदायिकता की समस्या है। तो आप इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को छोड़कर, और संभावना उस समय ये हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान बनेगा ये लगभग तय हो गया था, लेकिन गांधी जी ने उसे स्वीकार नहीं किया था और गांधी जी ने घोषणा कर रखी थी कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा, माने मैं पहले मरूंगा बाद में पाकिस्तान बनेगा। तो माउंटबेटन ने फिर प्रश्न दोहराया अपना कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं भारत में हैं, उनको छोड़कर आप ये कत्ल खाने बंद कराएंगे, ये तो बहुत छोटी सी समस्या है। गांधी जी ने उससे भी बड़ा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देखो माउंटबेटन, मेरे लिए भारत में कत्ल खानों का चलना सबसे बड़ी समस्या है, और अगर अंग्रेज ये कहें, अंग्रेजों के लिए वो कह रहे हैं कि अगर अंग्रेज ये कहें कि भारत की आजादी और कत्ल खानों के बंद होने के दोनों में से गांधी जी कोई चुनाव करें, तो माने अंग्रेज अगर मुझको ये कहें कि या तो भारत की आजादी ले लो या कत्ल खाने बंद करा दो, तो मेरा चुनाव होगा कि कत्ल खाने पहले बंद होने चाहिए, आजादी बाद में आ जाएगी। फिर माउंटबेटन ने आखिरी बार एक और बात पूछ लिया कि आपको ऐसा लगता है क्या बापू
ये कत्ल खानों के बंद हो जाने से भारत की सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो गांधी जी ने कहा, देखो सब समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा ये मैं जानता हूं, लेकिन कत्ल खानों के बंद होने से सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता खुल जाएगा। और जब तक ये कत्ल खाने चलेंगे भारत की किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। ये बात गांधी जी और माउंट बेटन के बीच की है। बाद में माउंट बेटन ने कहा, ये मैं व्रत पत्र में दे दूं छापने के लिए, गांधी जी ने कहा दे दो, और भारत से अच्छा है लंदन में दे दो। तो लंदन के कई अखबारों में गांधी जी की यह मुलाकात छपी। बाद में गांधी जी को इंटरव्यू लेने के लिए और भी बहुत सारे लोग आए लंदन से, और कई कई तरह के सवाल उन्होंने गांधी जी को पूछे। सबका उन्होंने एक ही जवाब दिया कि अगर मुझे आजादी और पशुओं की रक्षा में से कुछ चुनना पड़े तो मैं पशुओं की रक्षा को पहले चुनूंगा, आजादी तो बाद में आती रहेगी, क्योंकि आजादी तो हमें उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन हमने हमारे पशुओं को बचाने का काम शुरू कर देना। इस तरह की बात कहने वाले महात्मा गांधी अब इस देश में जीवित नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी मानते हैं कि उनकी आत्मा को हम कोई सच्ची श्रद्धांजलि दें तो उनके इस बात को याद करें कि गांधी जी के जाने के बाद क्या हुआ इस देश में। जो महात्मा गांधी कहते थे कि कलम की एक नोक से मैं सारे कत्ल खाने बंद करा दूंगा, वो महात्मा गांधी के विचार का क्या हुआ इस देश में। गांधी जी 30 जनवरी 1948 को चले गए, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद क्या हो गया इस देश में? उसके बाद इस देश में हो ये गया कि गांधी जी के मरने के साथ ही उनका विचार भी मार डाला गया, मर नहीं गया, मार डाला गया। गांधी जी को सिर्फ फोटो में जिंदा रखा है, विचार के स्तर पर उनको संपूर्ण दफन कर दिया गया है। उनका एक भी विचार भारत देश की सरकारों ने पिछले 59 वर्षों में माना नहीं, दो को छोड़कर। एक सरकार थी श्री लाल बहादुर शास्त्री की और दूसरी थी श्री मुरारजी देसाई की। श्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने जरूर गांधी जी के विचार पर आधारित नीतियां बनाई थी और कार्यक्रम भी किए थे, और दूसरे एक प्रधानमंत्री श्री मुरारजी देसाई, जिन्होंने गांधी जी से ही दीक्षा ली थी, वो गांधी जी के ही शिष्य थे और बाद में संयोग से इस देश के 1977 में प्रधानमंत्री बने थे। वो ऐसे ही बात करते थे जैसे गांधी जी करते थे। आपको मालूम है मुरारजी देसाई ने गांधी जी से दीक्षा लेने के बाद एक कसम खाई थी कि मैं कभी भारत में किसी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आया तो आपकी इच्छा के अनुरूप सबसे पहले शराबबंदी करूंगा। और आप जानते हैं श्री मुरारजी देसाई ने गुजरात में संपूर्ण शराबबंदी लागू कराई थी। उनका दूसरा कदम था कि भारत में शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन वो हो पाता तब तक उनकी सरकार गिरा दी गई। लेकिन उन्होंने एक कदम उठाया, गुजरात में शराबबंदी कराई, वो आज तक लागू है। और उस शराबबंदी के प्रश्न पर बहुत सारे राज्यों में समय समय पर आंदोलन हुए हैं और उन्होंने समय समय पर कई बार सफलताएं पाई हैं। आंध्र प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में, विदर्भ में बहुत हुआ, अनेक अनेक बार अनेक अनेक जगह हुआ। दूसरा, गांधी जी के विचारों पर आधारित श्री मुरारजी देसाई ने एक काम और किया। गांधी जी कहते थे भारत को स्वदेशी स्वावलंबन के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। मुरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विदेशी कंपनियों पर सबसे पहले पाबंदी लगाई। उन्होंने कहा हमें विदेशी कंपनियां नहीं चाहिए। आपको याद होगा कोका कोला पर पाबंदी लगाने वाले वो भारत के पहले और आखिरी प्रधानमंत्री थे। 1977 में कोका कोला को नोटिस देकर हिंदुस्तान से भगाने वाले वो पहले और आखिरी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उनके बाद किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं हुई जो कोका कोला को इस देश से भगा सके। बाकी प्रधानमंत्रियों ने दरवाजा खोलकर उसको बुलाया जरूर, लेकिन मुरारजी देसाई ने भगाया। ऐसे ही एक प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो प्रधानमंत्री बनते ही गांधी जी की एक नीति का अनुसरण करके इस देश में एक बहुत बड़ा उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठा लिया। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे तो भारत देश में अमेरिका से गेहूं आयात होता था। लाल रंग का बहुत ही घटिया क्वालिटी का गेहूं भारतवासी खाते थे। अमेरिका के साथ भारत सरकार ने एक समझौता किया था PL 480, यह अमेरिका का एक कानून है। PL का माने पब्लिक लॉ,
पब्लिक लॉ 480 वो एक एग्रीमेंट था, उसके तहत अमेरिका से गेहूं भारत में आता था। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही वो गेहूं लेना बंद किया था और उनका कहना था कि अमेरिका से घटिया क्वालिटी का गेहूं खरीदकर खाना उससे अच्छा है भूखे मर जाना। और जिस समय उन्होंने अमरीकी गेहूं खरीदना बंद किया था उस समय भारत बहुत गंभीर परिस्थिति में फंसा हुआ था, पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा था और युद्ध के समय में आप जानते हैं अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दौर में होती है, कोई भी बड़ा फैसला करने की हिम्मत सामान्य रूप से प्रधानमंत्रियों में नहीं होती है, लेकिन शास्त्री जी ने हिम्मत किया और युद्ध के दौरान अमरीका को कह दिया कि हमें आपका गेहूं नहीं लेना है। तो अमरीका ने थोड़ी धमकी दिया था कि अगर आप हमारा गेहूं नहीं खाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे, तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है हमें भूखे मरना आता है बनिस्बत की अपमान के साथ अमेरिका का गेहूं खाना। और उस समय जब गेहूं लेना बंद किया तो भारत में गेहूं की कमी हो गई, तो शास्त्री जी ने लाखों करोड़ों भारतवासियों को अपील किया कि सप्ताह में एक दिन व्रत रखना शुरू कर दो और करोड़ों भारतवासियों ने उनकी इस अपील का स्वागत किया और कोटि कोटि भारतवासियों ने व्रत रखना शुरू कर दिया। अभी भी इस देश में लाखों भारतवासी हैं जो सोमवार को खाना नहीं खाते क्योंकि शास्त्री जी ने सोमवार को यह कसम दिलाई थी। ये दो प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हुए इस देश में, लेकिन दुर्भाग्य दोनों का यह था कि किसी की भी सरकार 5 साल के लिए नहीं चली। शास्त्री जी की सरकार 5 साल नहीं चल पाई, मुरारजी देसाई की सरकार 5 साल नहीं चल पाई। जो ये दोनों 5 साल चल गए होते तो आज ये कत्लखानों का प्रश्न हमारे सामने नहीं होता। मुरारजी देसाई ने तय किया हुआ था कि वो 3 प्रश्नों को हल करेंगे, शराबबंदी का, कत्लखानों का और भारत देश में गरीबी बेरोजगारी का। लेकिन आप जानते हैं 22-23 महीने के बाद ही उनकी सरकार गिर गई। शास्त्री जी की सरकार तो 18 महीने के बाद चली गई क्योंकि उनकी हत्या हो गई। वो गए थे ताशकंद एक समझौता करने पाकिस्तान से दोस्ती का, लेकिन वो जीवित वापस नहीं लौटे। तो ये दो प्रधानमंत्रियों ने पूरी ईमानदारी के साथ इस देश में गांधी जी के विचार को जीवित करने का और उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया, बाकी किसी ने नहीं किया। अपने को महात्मा गांधी का सबसे अच्छा शिष्य बताने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो गांधी जी के सपनों का 1% हिस्सा भी इस देश में पूरा नहीं किया। गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों में बहुत मतभेद था, लेकिन गांधी जी की यह महानता थी कि उन्होंने उस मतभेद को कभी जनता के सामने नहीं लाया। अगर जो ला दिया होता तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री कभी बन नहीं पाते इस देश। 1937 का लिखा हुआ महात्मा गांधी का एक पत्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम। उन्होंने कहा कि मेरे और तुम्हारे विचार इतने विपरीत हैं कि मैं कभी कभी चाहता हूं कि जनता के सामने इनको खोल दूं ताकि लोगों को पता चले कि नेहरू क्या है और मैं क्या हूं। तो नेहरू जी तुरंत गांधी जी के पास पहुंचे और कहने लगे बापू ये समय नहीं है उन विचारों को खोलने का, अभी तो पहले आजादी लेनी है, आजादी आ जाए उसके बाद ये सोचेंगे। लेकिन आजादी आई उसके बाद वो विचार लोगों के सामने नहीं आए। नेहरू जी और गांधी जी में बहुत बड़े मतभेद थे, उसमें एक मतभेद ये कत्लखानों के प्रश्न पर भी था। दूसरा मतभेद अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानूनों पर था। तीसरा मतभेद अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था पर था। चौथा मतभेद भारत देश की गरीबी बेरोजगारी की जो परिस्थिति है उसको ठीक करने के प्रश्न पर था। ऐसे बहुत सारे मतभेद थे, लेकिन नेहरू जी थोड़े चालाक आदमी थे, ज्यादा चालाकी करते थे। होशियारी में और चालाकी में थोड़ा अंतर होता है। होशियार होना बहुत अच्छा माना जाता है, चालाक होना अच्छा नहीं माना जाता। चालाकी क्या करते थे, जब ही देखा कि बापू नाराज हो रहे हैं अपने को विड्रॉ कर लेना, क्योंकि उनको मालूम है कि बिना इनके आशीर्वाद के मेरा कोई इस देश में न भविष्य है न वर्तमान है। भूतकाल तो ऐसा था नहीं कि जो देश के लायक वो कुछ हो पाते, वर्तमान और भविष्य गांधी जी ने उनको बना दिया क्योंकि उनके ऊपर हाथ रख दिया।
बहुत सारे भारतवासी मानते हैं कि पंडित नेहरू को गांधी जी ने आगे बढ़ाया, ये बात आंशिक रूप से सच है, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि पंडित जी की विचारधारा और गांधी जी की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क था। आपके सामने अभी संदीप भाई ने जब ये बात कही, पंडित नेहरू ने एक लाहौर में भाषण दिया था, एक कत्ल खाना खोला था अंग्रेजों की सरकार ने, अंग्रेजों की सरकार ने भारत में 250 साल के शासन में 350 कत्ल खाने खोले थे। सबसे पहला कत्ल खाना उन्होंने कलकत्ता में खोला था, रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज था। 1757 में जब उसने कलकत्ता को जीत लिया, तथाकथित रूप से जीत लिया, युद्ध के मैदान में नहीं चालाकी के साथ, वो कहानी आप सब जानते हैं। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का राजा था और रॉबर्ट क्लाइव को लंदन से भेजा गया था कि सिराजुद्दौला को पराजित करना है और बंगाल में अपने राज्य की स्थापना करनी है, अंग्रेजी राज्य की। अब मुश्किल ये थी कि सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे, रॉबर्ट क्लाइव के पास मुश्किल से 300 सैनिक थे। 300 सैनिक 18,000 का मुकाबला नहीं कर सकते, ये रॉबर्ट क्लाइव जानता था। तो उसने क्या किया, सिराजुद्दौला की सेना में अपने कुछ एजेंट भेज दिए और उनसे कहा कि तुम पता करो कौन इसमें गद्दार है जो भारत से विद्रोह कर सकता है। सिराजुद्दौला के एजेंटों ने पूरी आर्मी में घूम के पता कर लिया कि सिराजुद्दौला का सेनापति ही है जो गद्दारी करने को तैयार है। अब किसी राजा का सेनापति जब राजा से और राज्य से गद्दारी करने को तैयार हो तो खतरनाक होता है। मीर जाफर नाम का एक सेनापति हुआ करता था सिराजुद्दौला का, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव से एक समझौता कर लिया। समझौता यह कि हम युद्ध लड़ेंगे लेकिन नकली, असली युद्ध नहीं लड़ेंगे। सिराजुद्दौला को लगेगा कि यह असली युद्ध हो रहा है लेकिन हम नकली युद्ध लड़ेंगे, और युद्ध शुरू होने के 10 मिनट के बाद मैं माने मीर जाफर अपने सैनिकों के साथ रॉबर्ट क्लाइव के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा, रॉबर्ट क्लाइव युद्ध में जीतने की घोषणा कर देगा, बाद में हम दोनों मिलकर सिराजुद्दौला को मार डालेंगे और समझौते के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया जाएगा। तो प्लासी के मैदान में जो हम इतिहास में पढ़ते आए हैं कि बड़ा भारी युद्ध हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, वहां नकली युद्ध हुआ। 20 मिनट में फैसला हो गया, भारत की ओर से लड़ने वाले सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति अंग्रेजों से जाकर मिल गया। 20 मिनट में अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि हम युद्ध जीत गए, और बाद में वो सारे सैनिक जो भारत के थे लेकिन अंग्रेजों से मिल गए, उन्होंने जाकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया। बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की हत्या कर दी, मीर कासिम को राजा बना दिया, बाद में मीर कासिम की हत्या कर दी और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का राजा बन गया। बंगाल का राजा बनने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहला कत्ल खाना शुरू किया, और उस कत्ल खाने में रोज की लगभग 30,000 से 35,000 गाय काटी जाती थी। अब वो कत्ल खाने का साइज कितना बड़ा रहा होगा आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में मशीन से नहीं काटी जाती थी गाय, उस जमाने में हाथ से काटी जाती थी। तो आप कल्पना करिए, एक कसाई एक दिन में 10 घंटे काम करे तो 3-4 से ज्यादा गाय नहीं काट सकता, इसका माने 32,000 गायों को काटने के लिए कितने कसाई रहे होंगे। अंग्रेजों ने उन सबको नौकरी पर रखा था, और अंग्रेजों को गाय का मांस खाना है इसलिए वो कत्ल खाना शुरू किया गया था, और उस कत्ल खाने में गाय का मांस उत्पन्न होकर अंग्रेजों के सैनिकों को उपलब्ध कराया जाता था। बंगाल में कलकत्ता में उस समय अंग्रेजों के लगभग 50,000 सैनिकों की सेना के प्रमुख अधिकारी रहते थे। पूरे भारत में अंग्रेजों की कुल आर्मी 50,000 थी, उनके प्रमुख अधिकारी सब कलकत्ता में रहते थे क्योंकि कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी थी। तो इन सब प्रमुख अधिकारियों को गाय का मांस चाहिए, उनके साथ जो सेना रहती थी उसको भी गाय का मांस चाहिए, इसके लिए यह पहला कत्ल खाना खोला गया था। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेजों की सेना के हर स्थान के सैनिकों को गाय के मांस की मांग होने लगी, तो अंग्रेजों ने जहां जहां भी सेना थी वहीं वहीं कत्ल खाने खुलवा दिए। अगर आप भारत के कत्ल खानों का इतिहास ध्यान से समझें तो जहां जहां भी कैंटोनमेंट है, मिलिट्री कैंट है, वहां सब जगह कत्ल खाने हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी भारत में सबसे बड़ा मिलिट्री कैंट है कलकत्ता में, सबसे बड़ा कत्ल खाना कलकत्ता में। उसके बाद पूर्वी भारत में ही एक दूसरा बड़ा कैंट है बैरकपुर में, दूसरा बहुत बड़ा कत्ल खाना बैरकपुर में। तीसरा है पटना में, तो कत्ल खाना पटना में।
ऐसे ही अगर उत्तर भारत में जाएं तो बहुत बड़ा मिलिट्री कैंट है मेरठ में और बहुत बड़ा कत्लखाना है मेरठ में। ऐसे ही अगर और थोड़ा आगे बढ़ें तो बहुत बड़ा मिलिट्री कैंट है रुड़की में, हरिद्वार के पास कत्लखाना है रुड़की में। अंग्रेजों ने जहां भी अपनी आर्मी को रखा उन एरिया को मिलिट्री कैंटोनमेंट के नाम से घोषित किया और हर उस जगह एक कत्लखाना होना कंपलसरी कर दिया। एक तो ये किया, एक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दूसरा काम किया इन अंग्रेजों ने इस देश में, जहां भी अंग्रेजों की आर्मी रहेगी वहां एक कत्लखाना रहेगा और कम से कम एक वेश्याघर होगा, यह भी उन्होंने नियम बनाया। कम से कम एक वेश्याघर होगा, चकला घर होगा, जिसको रेड लाइट एरिया आज की सभ्य भाषा में हम कहते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो जहां भी मिलिट्री कैंट है सब जगह रेड लाइट एरिया है। मुंबई में अंग्रेजों की आर्मी रहती थी, बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया मुंबई में। कलकत्ता में अंग्रेजों की आर्मी रहती थी, बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया कलकत्ता में। मेरठ में अंग्रेजों की आर्मी, बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया मेरठ में। और अंग्रेजों का तर्क क्या था, वो ये कहते हैं कि हमारे सैनिक महीनों महीनों अपने घरों से दूर लंदन से आकर यहां रहते हैं, उनको अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए वेश्यावृत्ति को ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर ट्रेड के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। मैंने हिंदुस्तान के इस वेश्यावृत्ति के इतिहास पर थोड़ा काम शुरू किया है पिछले कुछ वर्षों से कि आखिरकार ये ऑर्गेनाइज लेवल पर प्रोस्टिट्यूशन कब से आया इस देश में, क्योंकि हम इतिहास में पढ़ते हैं तो गणिकाएं हुआ करती थी, कोई वेश्या नहीं होती थी इस देश में। गणिका में और वेश्या में जमीन आसमान का अंतर होता है। गणिका कौन होती है, जो ईश्वर के लिए नृत्य करती है और ईश्वर के ध्यान में ही मग्न रहती है, किसी आदमी के लिए नृत्य नहीं करती है, परिवार के लिए नहीं करती है, किसी भक्त के लिए नहीं, ईश्वर के लिए करती है। तो गणिकाएं तो बहुत थी इस देश में, वैश्याएं नहीं हुआ करती थी। वैश्याओं को ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदुस्तान में लाकर स्थापित करने का काम अंग्रेजों ने किया। एक तो कत्लखाने खुलवा गए, दूसरे वैश्याघर खुलवा गए। गांधी जी को इन दोनों से ही नफरत थी और गांधी जी बार बार अपने व्याख्यानों में बार बार कहते थे कि एक दिन के लिए मैं भी भारत का राजा अगर बन गया, एक दिन के लिए, तो कलम की नोक से ये सब काम एक दिन में कर दूं। पहला काम कत्लखाने बंद करा दूं, दूसरे काम ये वेश्याघर बंद करा दूं, तीसरे काम भारत में शराबबंदी करा दूं, चौथे काम, ऐसे ऐसी लिस्ट बना रखी थी उन्होंने। लेकिन उस लिस्ट में शुरू में ये तीन काम थे, कत्लखाने बंद करना सबसे पहला, दूसरा वेश्याघर बंद करना, तीसरा ये जो जगह जगह अंग्रेजों ने शुरू किया था तमाशा शराब का और जगह जगह पब्लिकली शराब पीना और लोगों के सामने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करना, ये बंद करा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह रहा कि गांधी जी की एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। अंग्रेज गए, उन्होंने जो कत्लखाने खोले थे वो अंग्रेजों के जाने के बाद और बढ़े। अंग्रेज गए, उन्होंने जितने वेश्याघर खोले थे इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद वो और बढ़े। अंग्रेज गए तो जितनी शराब छोड़कर गए थे उससे ज्यादा शराब इस देश में बढ़ी और अंग्रेजों से ज्यादा बेहूदगी तरीके से भारत की सरकार ने शराब को बढ़ावा दिया। गांधी जी की एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई है, पता नहीं उनकी आत्मा को शांति मिली होगी या नहीं मिली होगी। बहुत लोग कहते हैं कि मरने वाले की आत्मा को शांति तब मिलती है जब उसकी इच्छा पूरी होती है, यहां तो एक भी इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती है। लेकिन हर साल इस देश में 2 अक्टूबर मनाया जाता है, हर साल इस देश में 2 अक्टूबर आता है, सरकारी अधिकारी प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री गांधी जी की समाधि पर जाते हैं, कुछ फूल चढ़ाते हैं, टीवी चैनलों पर हम उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, बापू जी को याद रखना चाहिए, बापू जी के सपनों को कभी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन बापू जी के सपनों को जिंदा करने के लिए कोई कुछ नहीं करता है। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक तमाशा देखा इस देश में, महात्मा गांधी का दांडी सत्याग्रह का 75वां वर्षगांठ मनाया गया। गांधी सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह का 75वां वर्षगांठ। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी सत्याग्रह किया था अंग्रेजों की सरकार के नमक के टैक्स कानून को वापस कराने के लिए। उस सत्याग्रह में गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले थे अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ और जब समुद्र के किनारे पहुंचे डांडी पर तो 1 कोटी से ज्यादा लोग उनके पीछे थे और उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। अंग्रेजों की सरकार ने भारत के नमक पर टैक्स लगा दिया था, अंग्रेजी नमक को टैक्स फ्री कर दिया था। इस काले कानून के खिलाफ गांधी जी निकले थे और संकल्प लेकर निकले थे कि जब तक अंग्रेज भारत से नहीं चले जाते मैं साबरमती आश्रम में वापस नहीं आऊंगा।
उनकी पत्नी के द्वारा पूछने पर श्रीमती कस्तूरबा जी ने पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं, अंग्रेज अभी जाने वाले हैं क्या? तो गांधी जी ने और खराब शब्दों में कहा कि मैं कुत्ते की मौत मरना पसंद करूंगा, पक्षियों की मौत मरना पसंद करूंगा, लेकिन साबरमती आश्रम में वापस नहीं आऊंगा जब तक अंग्रेज भारत से नहीं जाते। और वो निकल पड़े, दांडी सत्याग्रह सफल हुआ, अंग्रेजों ने नमक का टैक्स वापस लिया, लेकिन देश नहीं छोड़ा। तो गांधी जी साबरमती नहीं गए और पैदल भटकते भटकते वर्धा आ गए। वर्धा में एक कुटिया बना लिया और वहीं पर एक आश्रम स्थापित कर दिया। सौभाग्य से आज मैं उसी आश्रम में रहता हूं। गांधी जी के सपनों में ये जो सबसे पहला काम था, पशुओं का कत्ल रुकना, कारण क्या उसका? गांधी जी को एक बार पूछा गया था कि आप पशुओं को क्यों बचाना चाहते हैं? बहुत सुंदर उत्तर दिया कि ताकि मैं जिंदा रह सकूं। उत्तर बहुत सुंदर है। उनको जब पूछा गया कि आप पशुओं को क्यों बचाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं जिंदा रह सकूं इसके लिए पशुओं को बचाना चाहता हूं। और उसको और आगे उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि मैं पशुओं को बचाकर उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे ऊपर एहसान कर रहा हूं कि ये पशु जिंदा रहेंगे तो मैं जिंदा रहूंगा। एक बार ऐसी तरह से एक उनको और प्रश्न पूछा गया कि आप पशुओं की जीव दया की, प्रेम की, करुणा की इतनी सब बातें क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं सनातनी हिंदू हूं इसलिए। किसी ने पूछा आप तो सांप्रदायिकता कर रहे हैं, उन्होंने कहा अगर किसी को कहना है तो कहे मैं सनातनी हिंदू हूं। और तीन बार बोला इस बात को कि मैं सनातनी हिंदू हूं, जिसको जो समझना है समझे। तो पूछने वाला जानता नहीं था ये सनातनी हिंदू क्या होता है। तो गांधी जी को पूछ लिया ये सनातनी हिंदू की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा सनातनी हिंदू का मतलब होता है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, मैं पुनर्जन्म में मानता हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि पशुओं की रक्षा होनी चाहिए। बात वहीं पर खत्म हो गई। मैंने इस गांधी जी के स्टेटमेंट पे बहुत सोचा कि उन्होंने कहा क्या और इसका मतलब क्या है। कई बार क्या होता है ना, बड़े लोग महान लोग बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ कह जाते हैं। इसमें गांधी जी ने बहुत कुछ कह दिया है। पहले तो मेरे समझ में नहीं आता था ये बात, अब समझ में आई है। गांधी जी ने कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं। सनातनी हिंदू कौन होता है? जो पुनर्जन्म में मानता है। इसका माने पूरा भारतवर्ष सनातनी हिंदू है, क्योंकि सारे भारतवासी पुनर्जन्म में मानते हैं। भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पुनर्जन्म नहीं मानता हो। मैं हिंदुस्तान में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण इतना यात्रा कर चुका हूं कि लगभग तीन बार भारत की परिक्रमा के बराबर। और मैंने अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के लोगों से एक ही प्रश्न कई बार पूछा है गांधी जी को समझने के लिए, पुनर्जन्म में मानते हो? हाँ हाँ मानते तो हैं, लेकिन हमारी बाइबल नहीं कहती है। हम तो मानते हैं, बाइबल में नहीं है। एक बार मैं एक बहुत बड़े मौलाना अब्दुल वहीद खान से बात कर रहा था लखनऊ में। मैंने कहा आप पुनर्जन्म में मानते हैं? हां मानता तो हूं, लेकिन कुरान शरीफ में कहीं नहीं है। तो मैंने कहा अब इसमें संकट है, अगर आप कुरान शरीफ को मानते हैं, कुरान शरीफ पुनर्जन्म को नहीं मानती है, तो आप पुनर्जन्म में कैसे मानते हैं? तो उसने कहा देखो यार, भारतीयता जाति नहीं है। अब इतनी बड़ी बात, भारतीयता जाति नहीं है, भले हम मजहब बदल लें, संप्रदाय बदल लें, भारतीयता नहीं जाती। फिर एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपके संप्रदाय में, मजहब में ऐसे कितने लोग हैं जो पुनर्जन्म मानते हैं? उन्होंने कहा शायद 90% होंगे। मैंने कहा आप गारंटी से कहते हैं? उसने कहा शायद 95% होंगे। फिर तीसरी बार कहा तो कहा 99% भी हो सकते हैं। मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा हम कोई अरब देश से आए हुए थोड़ी हैं, हम तो यहीं के हैं। हजारों साल हमारे पुरखे तुम्हारे ही जैसे थे, किसी एक समय विशेष में किसी गलत काम के कारण या गलत प्रभाव के कारण हमने मजहब बदल लिया तो भारतीयता थोड़ी चली गई है। फिर मैंने कहा मुझे ऐसे कुछ लोगों से बुला दो जो भारतीय मुसलमान है। आजकल एक शब्द चल गया है ना, अमेरिकन इंडियन, है ना? तो
मैंने कहा चलो भारतीय मुसलमान है उनसे मिलवा दो। उन्होंने मुझे इतने सारे लोगों से मिलवाया है, उनके घरों में मैं गया हूं, उनकी शादी ब्याह की पद्धतियों को मैंने देखा है, नामकरण की पद्धतियों को देखा है, उनके त्योहारों की रीति रिवाजों को देखा है, कहीं से नहीं लगता है कि वो अभारतीय हो गए। ज्यादा से ज्यादा दिखाई देता है कि उनका नाम बदल गया है और पूजा करने की पद्धति बदल गई है। तो क्या पूजा करने की पद्धति तो हम सनातनी हिंदुओं में भी विशिष्ट हैं। कोई मंदिर को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई दुर्गा को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई किसी को मानता ही नहीं है, कहता है कि देवी देवता होते नहीं है, मूर्ति कुछ। तो पूजा की पद्धति तो हम में भी बदली हुई है, उनमें भी बदली हुई है, तो क्या भारतीयता तो नहीं गई है। मैंने एक उनसे प्रश्न पूछा खान साहब से कि अच्छा ये बताइए कत्ल खानों पर आपका क्या विचार है। उन्होंने कहा वही जो महात्मा गांधी का, कत्ल खाने बंद होने चाहिए। मैंने पूछा क्यों बंद होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि हम जिंदा रह सके। मैंने कहा आप गांधी जी को अनुकरण कर रहे हैं या ईमानदारी से कह रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे भी समझ में आता है कि पशु जिंदा है तो हम जिंदा हैं, हमारी औकात तो इन पशुओं से है, अगर ये चले गए तो हम तो नहीं रहने वाले हैं। फिर उनसे मैंने एक विशिष्ट बात पूछी जिसको पूछने की हिम्मत कम लोगों में होती है। मैंने उनसे कहा आपने कभी गाय का मांस खाया। उसने कहा यार एक बार खाया था तो मेरी मां ने बहुत पिटाई किया था मेरा। मैंने पूछा कैसे क्यों, उन्होंने कहा हमारे घर में सख्त पाबंदी है, आज भी हम गाय का मांस नहीं खाते हैं। मैं पूछा अगर गलती से आ गया तो, बहुत सारा मांस आता है उसमें गाय का आ गया तो उन्होंने कहा पता चल जाए तो बर्तन को उठा के घर के बाहर फेंक देते हैं, उस बर्तन को भी काम में नहीं लेते। तो मैंने कहा फिर ये गाय की हत्या क्यों हो रही है। उन्होंने कहा ये तो अंग्रेजों की साजिश है जो आज तक गाय की हत्या हो रही है। उस दिन मेरी आंखें खुल गई, और आंखें खुली तो इतनी खुली कि अब सब कुछ दिखाई दे रहा है स्पष्ट। इस घटना के पहले मैं मानता था कि भारत के बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं जो गाय का कत्ल कर रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद मेरी आंखें खुली और मैंने खोजना शुरू किया तो पता चला भारत में सबसे ज्यादा गाय का कत्ल भारत की सरकार कर रही है, मुसलमान नहीं कर रहे हैं। और इस देश में ऐसे कई मुस्लिम समाज हैं जिनको मैं जानता हूं जो गाय को वैसे ही पालते हैं जैसे आप पालते हैं। आप कभी आइए गुजरात में, कच्छ नाम का एक जिला है, कच्छ जिले में एक नहीं सैकड़ों मुसलमान नहीं हजारों हैं जो गाय पालन करते हैं, गाय का दूध बेचते हैं, दूध में से दही बनाते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी बनाते हैं और बेचते हैं। आप राजस्थान में आइए, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये तीनों जिलों में एक नहीं हजारों मुसलमान हैं जो गाय पालते हैं, गाय का दूध बेचते हैं, दूध में से मक्खन बनाते हैं, फिर घी बनाते हैं और धंधा करते हैं। राजस्थान का एक इलाका है अलवर, मेवात क्षेत्र कहते हैं, पूरा मेवात क्षेत्र जो है ना मुस्लिम समाज के भाइयों से डोमिनेटेड है, वहां एक नहीं सैकड़ों मुस्लिम भाई हैं जो गाय पालते हैं, गाय का दूध पीते हैं, गाय के दूध से दही बना के वैसा ही भी घी और बिजनेस करते हैं। मुसलमान गाय नहीं काटते, ये बहुत बड़ा भ्रम है जो हम हिंदुस्तानियों के बीच में फैलाया अंग्रेजों ने, और ये भ्रम फैलाया था अंग्रेजों की रानी ने जिसको हम दुर्भाग्य से विक्टोरिया कहते रहे हैं। उसने एक चिट्ठी लिखा था 1894 में, अंग्रेजों का एक अधिकारी हिंदुस्तान में था, उसका नाम था लेंस डाउन, गवर्नर था इस देश में, उसको एक चिट्ठी लिखा, विक्टोरिया ने चिट्ठी लिखा कि देखो हम भारत में जितने कत्ल खाने चलाते हैं उनमें सबसे ज्यादा गाय कटती है, ये भारत के हिंदुओं को पसंद नहीं है क्योंकि ये उनकी अधिष्ठात्री है, माने हम उसको पूजनीय मानते हैं, मातृ समान मानते हैं, हिंदुओं को पसंद नहीं है, और वास्तव में मुसलमान भी नहीं पसंद करते गाय को मारना और उसको खाना, गाय तो हमारे लिए काटी जाती है, माने अंग्रेजों के लिए काटी जाती है। अब भारत में हिंदू और मुसलमान कभी एक हो गए और गाय बचाने में लग गए तो हमारी सरकार नहीं चलेगी भारत में, इसलिए तुम एक काम करो कि जितने कत्ल खाने चल रहे हैं गाय काटने के लिए उनमें मुसलमानों की भर्ती कर दो, और हिंदुओं को बताओ कि गाय देखो मुसलमान काट रहे हैं। तो हिंदुओं की भर्ती नहीं, मुसलमानों की भर्ती कर दो, हिंदुओं को बताओ कि गाय मुसलमान काट रहे हैं, कट हमारे लिए रही है,
काट रहे हैं मुसलमान, खाते नहीं है हम खा रहे हैं, काट रहे हैं ये हिंदुओं को, जब ये पता चल जाएगा ये दोनों एक दूसरे को लड़ मारेंगे और ये लड़ने लगेंगे तो हमारी गद्दी सुरक्षित रहेगी और हम भारत पर 1000 वर्ष तक राज करेंगे। ये विक्टोरिया की चिट्ठी है लैंसडाउन को 1894 में लिखी गई। इस चिट्ठी से पढ़कर मेरे समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स क्या है इस देश में। पॉलिटिक्स ये है कि गाय कटे अंग्रेजों के लिए और लड़ते रहे हिंदू मुसलमान, हम एक दूसरे को गाली देते रहे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहे और अंग्रेज मजा करते रहे। इस तरह से अंग्रेजों ने वो एक जो पॉलिसी है ना, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, वो ये है। तो इस डिवाइड एंड रूल में हमको फंसाया, गाय को कटवाया और एक दो नहीं करोड़ों गायों को कटवाया इस देश में। एक कत्लखाना जो कलकत्ता से शुरू हुआ धीरे धीरे भारत के हर कैंट एरिया में फैल गया, 350 कैंट एरिया अंग्रेजों ने स्थापित किए, 350 कत्लखाने बना दिए। गांधी जी इन्हीं की खिलाफत करते थे अंग्रेजों के जमाने में। गांधी जी को बार बार लगता था कि ये कत्लखाने बंद होने चाहिए। और गांधी जी के पहले एक और बहुत महान व्यक्ति हुए इस देश में जिनको बहुत पीड़ा होती थी इन कत्लखानों के चलने से, उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने तो अपने जीते जी एक फौज तैयार कर दिया गोरक्षा के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन बना दिया जिसका नाम आर्य समाज, आज तक जीवित है, 125 वर्ष पुराना संगठन है, कांग्रेस से भी पुराना संगठन। कांग्रेस जो राजनीतिक दल है ना, उससे पहले का ये आर्य समाज है। इसका एक ही काम था, गोरक्षा करना। और इस आर्य समाजी संगठन ने पूरे देश के नौजवानों को ऐसा चार्ज कर दिया था कि भारत के 7,32,000 गांवों में हर जगह गोरक्षा समिति बन गई थी। 1870 से ये शुरू हुआ और 1894 में आकर ये आंदोलन अपने सबसे उच्चतम शिखर पर था। और 94 में जब यह आंदोलन उच्चतम शिखर पर था तो भारत के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध सब मिलकर गोरक्षा में लगे हुए थे। और अंग्रेजों के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि एक भी गाय कटेगी तो अंग्रेजों की खैर नहीं। तो अंग्रेज घबरा गए थे। इसी घबराहट में रानी ने चिट्ठी लिखी थी 1894 में कि अगर इस आंदोलन को तोड़ना है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना है, तो तुम ये काम करो कि सारे कत्लखानों में मुसलमानों की भर्ती करो और हिंदुओं को बताओ कि गाय ये काट रहे हैं। और जब ये खबर अंग्रेजों ने फैलाई उसके बाद इस देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे शुरू हो गए। मैं आपको विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि 1894 के पहले इस देश में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। पहला हिंदू मुस्लिम दंगा 1894 दिसंबर में हुआ रानी की इस चिट्ठी के बाद। और उसके बाद लाइन लग गई दंगों की। फिर क्या हुआ, आजादी का प्रश्न पीछे आ गया, गोरक्षा का प्रश्न पीछे आ गया, हिंदू मुसलमानों का सांप्रदायिकता का प्रश्न सबसे आगे आ गया। और अंग्रेजों ने लगभग 60-70 साल तक इसी आग को जलाकर रखा और इसमें समय समय पर घी डालते रहे। वो कभी भी ये दोनों एक ना हो जाएं, इसके लिए पूरी ताकत लगाकर अपने एजेंटों को उन्होंने भारत की बहुत सारी संस्थाओं में घुसा के बिठा दिया कि ये समाज एक ना हो जाए। और इस तरह से बदस्तूर गाय कटती रही और हत्या होते होते करोड़ों की संख्या में पहुंच गई। जब अंग्रेज गए 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के महात्मा गांधी जैसे कुछ क्रांतिवीर जो जीवित थे उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि हाँ, और कहा कि अब अंग्रेज गए हैं, जल्दी से गोहत्या बंद होनी चाहिए। तो वो गोहत्या बंद होने के लिए भारत की संसद में प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को लाने वाले एक बहुत अच्छे सांसद थे, उनका नाम था महावीर त्यागी। वो कई बार संसद सभ्य बने थे, माने खासदार बने थे। सोनीपत नाम का एक क्षेत्र है हरियाणा में, वहां से वो जीत कर आते थे और किसी राजकीय पक्ष के टिकट पर नहीं, अकेले जीत कर आते थे। महावीर त्यागी जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो संसद में खड़े होकर भाषण दिया करते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सारे काम छोड़कर उनका भाषण सुना करते थे, क्योंकि वो सरकार की इतनी खिंचाई करते थे तो उसका जवाब कैसे देना है संसद में, ये नेहरू जी के लिए मुश्किल हो जाता था। तो नेहरू जी सब काम छोड़कर महावीर त्यागी जी का भाषण सुनते। महावीर त्यागी जी ने सबसे पहले याद दिलाया कि देखो, अंग्रेज अब चले गए, हमारी सरकार आ गई, अब गोहत्या बंद करने के लिए कानून बनाओ।
तो संसद में प्रस्ताव आया, उस पर बहस हुई। महावीर त्यागी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि अंग्रेजों की ये जो राजनीति थी हिंदू मुसलमानों को बांटने की गाय के प्रश्न पर, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए कि देखो असलियत ये है, कोई मुसलमान गाय का मांस ज्यादा नहीं खाता और कोई मुसलमान गाय को कटवाना भी पसंद नहीं करता, ये तो अंग्रेजों की चाल है हमको आपस में लड़ाने की और बर्बाद करने की। तो ये चाल को समझकर मुस्लिम खासदारों ने भी समर्थन किया कि हाँ गोरक्षा होनी चाहिए। विधेयक आने का समय आया, विधेयक के समय पर आप जानते हैं संसद का नियम यह है कि बहस जब पूरी हो जाती है तो वोट लिया जाता है कौन किसके समर्थन में है। तो इस पर वोट का समय आया, वोट के समय में एक दिन पहले यह तय हो गया था कि भारत की संसद के मैक्सिमम एमपीज, सबसे ज्यादा खासदार गोरक्षा के समर्थन में है, और मुश्किल से कुछ एमपीज जिनकी संख्या 10 भी नहीं थी वो गोरक्षा के विरोध में है। तो 10 एक तरफ है बाकी एक तरफ है, तो इसका माने प्रस्ताव पारित होना है। अगले दिन जिस दिन ये वोट के लिए आया तो पंडित नेहरू ने कहा कि मुझे कुछ कहना वोट से पहले। क्या कहना है जी? पूरे संसद की निगाह है नेहरू जी की तरफ। नेहरू जी ने कहा कि अगर गोरक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि मेरे दोस्त संदीप ने नेहरू जी का कोट किया है। कई बार हमें धोखा हो जाता है, चेहरा कुछ होता है असलियत कुछ होती है। हमारे देश में अभी थोड़े दिन पहले से एक बहुत बड़ा मामला आया है सामने, बहुत गंभीर मामला है वो, अगर राजनीतिक लोग उसको थोड़ा बाजू में रख दें तो भी देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला ये है कि रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने एक दस्तावेज आधारित किताब लिखी है जिसमें उसने नाम लेके कोट किया है कि भारत के कौन कौन प्रधानमंत्री कौन कौन मंत्री रूस से पैसा लेते रहे और रूस के समर्थन में इस देश में कानून बनाते रहे। उस किताब में मित्रोखिन नाम का वो ऑफिसर है, उसने लिखा है कि भारत में प्रधानमंत्रियों का मुखौटा कुछ होता है कार्य कुछ होता है। ये बात आपको समझ में आए इसलिए मैंने सुना है कि नेहरू जी आजादी के पहले भाषण दे रहे हैं कि कत्ल खानों के सामने से गुजरता हूं तो मुझे घिन आती है, एक मिनट में खड़ा नहीं रह सकता, चील कौए मडराते हैं मेरी आत्मा मुझे कचोटती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब गोरक्षा का प्रस्ताव आता है तो वही नेहरू जी कहते हैं कि प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों? कारण क्या है? इस पर खोज होनी चाहिए कि आजादी के पहले एक कहा और आजादी मिलते प्रधानमंत्री बनते इस्तीफा देने लगे। अब उस जमाने में होता क्या था, नेहरू जी की धमकी के इस्तीफा दे दूंगा तो पूरी पार्लियामेंट हिल गई महावीर त्यागी को छोड़कर, क्योंकि उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं था क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट पर कभी चुन के नहीं आते थे। तो जो कांग्रेस के टिकट पर चुन के आने वाले खासदार थे उनके लिए प्रश्न खड़ा हो गया, अब क्या होगा, नेहरू जी इस्तीफा दे देंगे, सरकार चली जाएगी, पता नहीं दोबारा जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये होता है ना, आज भी होती है ना तकलीफ। अभी थोड़े दिन पहले एनडीए सरकार चलती थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा इस्तीफा दे दूंगा, देखा आपने कैसे तमाशा हुआ। एक दिन ऐसा हुआ श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, आपने देखा कैसा तमाशा हुआ दिल्ली में, ऐसे ऐसे खासदार बंदूक तमंचा, मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा क्योंकि सोनिया गांधी हमारी वो प्रधानमंत्री नहीं बन रही है। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो वहां चले गए। किसी ने आत्महत्या किया क्या? सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी फिर भी किसी ने आत्महत्या किया क्या? राजनीति में चेहरे कुछ होते हैं मुखौटे कुछ होते हैं। इतने सारे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं एक ही बात समझाने के लिए, मुखौटे कुछ होते हैं चेहरे कुछ होते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई बात जो कह दी है उन्होंने पब्लिकली उस पर वो टिकेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति का यही सबसे बड़ा दुर्गुण है एक दिन बोलना अरे मुझे तो गलत कोट किया है अखबार वालों ने, अखबार वाले सुना देंगे देखो तुमने बोला है, हां हां बोला है तो तुमने गलत अर्थ निकाल लिया इसका। अब कितने अर्थ होते हैं किसी शब्द के, ये पॉलिटिशियन से आप पूछिए।
ये जो बीमारी है ना भारत में, नेहरू जी के समय से है, आज की नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। और चूंकि ये बीमारी उस जमाने से है, इसलिए गोरक्षा का कानून आज तक बना नहीं इस देश में। जब जब संसद में कोशिश हुई, कुछ ना कुछ अड़ंगा इसी तरह का। एक और उदाहरण देता हूं। 1966 में आप में से कुछ लोग होंगे, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था जिस समय की यह घटना है, भारत के लाखों संतों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला दिल्ली में, गाय रक्षा होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। गांधी जी तो तब थे नहीं, विनोबा जी थे, गांधी जी के शिष्य थे, उनका आशीर्वाद लेके बहुत बड़े बड़े साधु संत इकट्ठे हुए। स्वामी करपात्री जी महाराज, जो शंकराचार्य के स्थिति वाले संत हैं, वो उन्होंने लीडरशिप लिया, वो रक्षा होनी ही चाहिए। लाखों साधु संत इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम संसद को घेर लेंगे अगर सरकार गोरक्षा का कानून पारित नहीं करती। सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहिए, स्वामी करपात्री जी महाराज के थोड़े दिन पहले के आशीर्वाद से श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी। तो स्वामी करपात्री जी को लगता था कि इसको तो आशीर्वाद मैंने दिया है, अब ये कैसे मना करेगी मेरे काम को। स्वामी जी को मालूम नहीं था, चेहरे कुछ होते हैं, मुखौटे कुछ होते हैं। अच्छा, विनोबा जी ने भी आशीर्वाद दिया था, आपको मालूम है, श्रीमती इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन बहुत कमजोर थी, उनके सामने जो टक्कर में थे ना, वो बहुत पावरफुल लीडर थे, निजलिंगप्पा, बहुत पावरफुल आदमी थे, पूरा दक्षिण भारत उनके समर्थन में खड़ा था और तय था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। निजलिंगप्पा को अड़ंगी लगाकर श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तो बहुत सारे संतों से आशीर्वाद लिया था, तो करपात्री जी ने भी दे दिया, विनोबा जी ने भी दे दिया। अब प्रधानमंत्री बनते ही याद दिलाया विनोबा जी ने, वो काम करो ना मेरा, वो हत्या बंद करने के लिए कानून लाओ। तो कहा, बाबा अभी थोड़े दिन संभालने तो दो। तो बाबा ने कहा, कितना दिन लगेगा संभालने में। तो दिन बीतते गए और करपात्री जी महाराज का धैर्य चुक गया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल दिया, सरकार को घेरना है, संसद को कॉर्डन कर देना है, कोई अंदर जाएगा नहीं, कोई बाहर आएगा नहीं, जब तक गोहत्या बंद नहीं होती। आप जानते हैं क्या हुआ? जिन करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उन्हीं के ऊपर श्रीमती गांधी ने गोली चलवाई, और एक नहीं, सैकड़ों साधु उसमें मर गए। लेकिन गो हत्या नहीं रुकी, वो वैसे ही चली। उसके बाद स्वामी करपात्री जी ने, उनके शिष्य बताते हैं, मैंने कभी उनसे सीधे बात नहीं की, स्वामी करपात्री जी ने श्राप दे दिया, और वो ये कहते हैं कि उसी श्राप का दुष्परिणाम है कि जिस तरह से श्रीमती गांधी ने गोलियां चलवाकर मरवाया था गोरक्षा भक्तों को, उसी तरह से श्रीमती गांधी मारी गई। और ये अजीब संयोग है, मैंने इस पे थोड़ा काम किया तो मुझे पता चला, श्रीमती गांधी ने जिस दिन ये गोली चलवाई थी उस दिन गोपा अष्टमी थी। भारत में गाय के पूजन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है गोपाष्टमी, दीपावली के कुछ दिन बाद आता है, और श्रीमती गांधी को जिस दिन गोली मारी गई वो दिन भी गोपाष्टमी थी। ये सब हुआ लेकिन गो हत्या नहीं रुकी। विनोबा भावे, जिन्होंने आशीर्वाद दिया था श्रीमती गांधी को, वो जीवन के अंतिम दिनों में डिप्रेशन में चले गए, इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, खाना पीना छोड़ दिया। जैन संतों की भाषा में कहूं तो संथारा ले लिया, और कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में कहूं तो आत्महत्या कर ली। इतने डिप्रेशन में गए विनोबा जी। और विनोबा जी बार बार एक प्रश्न पूछते थे कि मैं कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहा हूं, एक छोटी सी मांग है कि गाय का कत्ल बंद करा दो, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, संसद के सब सदस्य मानते हैं, मेजोरिटी संसद इसके साथ में है। और उन्होंने कहा कि गाय का कत्ल बंद हो जाए तो ये देवनार कत्ल खाना बंद हो जाए जो मुंबई में चलता है, जिसमें 26,000 जानवर आज रोज कट रहे हैं, उस समय 11,000 कटते थे। छोटा सा प्रश्न था, नहीं हुआ।
और वो वहीं छूट गया। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले जब एनडीए सरकार आई तो बड़ी मुश्किल से एक बिल तैयार करके संसद में पेश किया गया कि गाय की हत्या तुरंत रुकनी चाहिए, कानून तुरंत बनना चाहिए। सवेरे बिल पेश किया गया, शाम को वापस ले लिया। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सवेरे विधेयक पेश किया सरकार की तरफ से, शाम को वापस ले लिया, ये कहते हुए कि इस पर बाद में बहस होगी। मैं आपको ये सुनाकर क्या कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में गाय का कत्ल बंद हो जाए ये हमारी सद इच्छा है, लेकिन गाय का कत्ल चलता रहे उसके लिए कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो समझना जरूरी है। हमारी तो सद इच्छा है कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश में जो गाय के कत्ल को लगातार चालू रखना चाहता है। जब भी संसद में इस तरह की बहस होती है कुछ ना कुछ इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। एक दिन तो मैं खुद संसद की दर्शक दीर्घा में था, उस दिन बहस हो रही थी इसी गोरक्षा के प्रश्न पर। मैं गया था कि आज देखें सांसद कौन किस समर्थन में है, कौन किस पक्ष में है। सारे सांसद एक बाजू में स्वर से बोल रहे हैं कि गोरक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम सांसद जीएम बनातवाला ने कहा कि अगर बिल पास होता है तो पहला वोट मेरा, गोरक्षा के समर्थन में। उनके साथ दूसरे मुस्लिम सांसद खड़े हो गए, हमारी आपत्ति नहीं है, आप कानून बनाइए। अभी एक महिला खड़ी हो गई, उसका नाम है सुश्री ममता बनर्जी। उसने कहा गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा। गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा। और ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को कोट करके बोलना शुरू किया कि कोई कसाई गाय का कत्ल करता है ये उसका मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो मामला कहां बिल्कुल होते होते फिर फिसल गया। इसी तरह से एक बार और हुआ, हमारी संसद में सब तय हो गया कि गोरक्षा का बिल पास ही हो जाना चाहिए, सब हो जाना चाहिए। एक महामहिम भारत देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े हुए एक व्यक्ति जीजी स्वेल खड़े हो गए कि मैं गाय का मांस खाता हूं मेरा क्या होगा। तो मैंने उनको एक खत लिखा था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने कहा आप गाय का मांस खाते हैं खाते रहिए अपने घर में काट के, ये कत्ल खाने तो बंद होने दीजिए। आपको गाय का मांस खाना है आप अपने घर में कत्ल करिए, काटिए उसे खाइए, आप में हिम्मत है तो अपने घर में गाय को काटिए खाइए। आपकी बीवी बच्चे भी आपको देखें उसको काटते हुए खाते हुए, पड़ोसी भी देखें आपको काटते हुए काटते हुए, और अगली बार आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े तो सबको पता तो चले कि ऐसा व्यक्ति इस देश में राष्ट्रपति बनना चाहता है। जवाब नहीं दिया उसके बाद, क्योंकि इस तर्क में क्या बुराई है, आपको गाय का मांस खाना है ठीक है खाइए ना, घर में काटिए खाइए, ये कत्ल खाने क्यों चाहिए आपको। ये तो आपके मांस की सप्लाई नहीं करते, ये तो एक्सपोर्ट करते हैं सबका सब, आप खाना है तो घर में काट के खाइए। उसके बाद बंद हो जाती है सारी बहस। पिछले आजादी के 58-59 सालों में संसद में चार बार गंभीरता से गोरक्षा पर बहस हुई है, प्रस्ताव पारित होने तक आया है, वोट करने तक नौबत आई है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो अटकता गया है। कभी पंडित नेहरू के इस्तीफा देने की धमकी के कारण, कभी हमारे देश में सुश्री ममता बनर्जी जैसे खासदारों के ये कहने के कारण कि मैं गाय का मांस खाती हूं मेरे मौलिक अधिकार का क्या होगा, कभी जीजी स्वेल के कारण, और कभी सवेरे विधेयक पेश किया और शाम को बहस करेंगे दोबारा, ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बयान के कारण हर बार ये हुआ है। मैंने इसको समझने की कोशिश की है कि आखिर गाय की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्न है, या जानवरों की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्न है जो भारत की संसद इसको होने नहीं देना चाहती, या भारत की संसद में ऐसे कुछ लोग हैं मित्रों खिन के शब्दों में अगर कहें जिनके चेहरे कुछ हैं मुखौटे कुछ हैं। तो हम ढूंढना शुरू करें हमारे नजदीक में ऐसे कितने पॉलिटिशियंस हैं, खासदार हैं, आमदार हैं, जिनके चेहरे कुछ हैं मुखौटे कुछ हैं। ढूंढे हम
कम से कम अपने बीच में खोजना तो शुरू करें ताकि ये गंभीर प्रश्न आज नहीं तो कल हल हो सके, क्योंकि हल तो करना ही पड़ेगा इस प्रश्न को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। इस प्रश्न को बहुत दिनों तक टाल के नहीं रखा जा सकता, इसको ऐसे ही हल करना पड़ेगा जैसे कभी हमने कई गंभीर प्रश्न हल किए हैं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे का प्रश्न था, बार बार टाल नहीं सकते थे तो हल किया, थोड़ा दर्द हुआ लेकिन हल हुआ, एक लाइन खींची गई कि वो पाकिस्तान है ये भारत है। चीन के साथ हमारा गंभीर प्रश्न हुआ सीमा विवाद पर, बहुत दिनों तक टाल नहीं सकते थे तो हमने फैसला किया। ये भी प्रश्न बहुत गंभीर है क्योंकि भारत के करोड़ों लोगों की मान्यताओं से, आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और हमारे संपूर्ण भारत के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम भारतवासी गांधी जी के शब्दों में अगर कहें कि हम सनातनी हिंदू हैं, गांधी जी जब ये ताल ठोक के कहते हैं कि मैं तो सनातनी हिंदू हूं, क्यों हूं, क्योंकि मैं पूर्व जन्म में मानता हूं, जरा इसको खोले इसमें है क्या। दुनिया में भारतीयता को छोड़कर ऐसी कोई दूसरी सभ्यता नहीं है जो पुनर्जन्म में मानती हो। अभी आज की दुनिया में चार बड़ी सभ्यताएं तो मौजूद हैं कम से कम, और इतिहास में बहुत सारी सभ्यताएं आकर चली गई हैं, फिलहाल में चार मौजूद हैं। एक है इस्लामिक सभ्यता, एक है ईसाइयत वाली सभ्यता, एक है जुडाइज्म वाली सभ्यता, यहूदीइज्म वाले, और एक है हमारी भारतीय सभ्यता। चार तो पक्की है ही, फिर भारतीयता में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं, एक जैनिज्म है, एक बुद्धिज्म है और बहुत सारे हैं। ऐसे ही ईसाइयत में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं, ऐसे ही इस्लाम में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं, ऐसे ही जुडाइज्म में है। भारत की सभ्यता को छोड़कर इस्लाम, ईसाइयत और यहूदी तीनों सभ्यताओं में पुनर्जन्म नहीं माना जाता। वो मानते हैं कि जन्म एक बार होता है, बार बार नहीं होता, इसलिए उस सभ्यता में जो भी कुछ करना है वो एक ही जन्म में करना है, क्योंकि आपको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, पहले मेरे साथ पढ़ाई करते थे लेकिन भाग के चले गए अमेरिका यूरोप, और वो कई बार मुझे कुतर्क करते रहते हैं। वो कहते हैं यार देखो हमारा अमेरिका तो बहुत अच्छा है, अब वो हमारा अमेरिका बोलते हैं, हाँ लॉयल्टी इतनी चेंज हो गई है कि हमारा अमेरिका बहुत अच्छा है, जन्म भारत में लिया, हवा यहां की खाई, पानी यहां का पिया, मिट्टी में यहां खेले, भोजन यहां का किया, यहां के लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स के पैसे पर इंजीनियरिंग किया, भाग गए अमेरिका, काम वहां कर रहे हैं, भारत को कुछ नहीं दे रहे हैं। कभी कभी एहसान करते हैं, यहां आ जाते हैं तो गालियां देके चले जाते हैं, भारत में बहुत गंदगी है, सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं, गाय घूमती रहती है, भैंस घूमती रहती है, और घर में छिपकली आ जाती है, मच्छर आ जाते हैं, ये कोई देश है रहने लायक? चलो हमारा अमरीका बहुत अच्छा है। हाँ, और उनके माता पिता बेचारे पूरे साल इंतजार करते हैं हमारा बेटा आएगा आएगा, बेटा वहां से हाय हेलो कर देता है बस, और माताजी मरने को तैयार है फिर भी कहता क्या करूं, प्लेन की टिकट नहीं मिल रही है, अभी अंतिम संस्कार कर देना किसी भी तरह से, तो वहां प्लेन की टिकट माताजी से बड़ी हो जाती है। तो ऐसे कुछ लोग जो भारत में पैदा हुए अमेरिका चले गए, वो कभी कभी मुझे कुतर्क करते हैं, इस प्रश्न पे भी कुतर्क करते हैं। जब मैं उनसे कहता हूं कि देखो भैया ये अमेरिका की जो सभ्यता है वो ईसाइयत से संचालित है, यूरोप की सभ्यता वो भी इसी से संचालित है, थोड़ा बहुत इलाके में जुडाइज्म है, और इस्लाम की तो अपनी सभ्यता है ही, इनमें से किसी में भी पुनर्जन्म नहीं है, तो वो मुझे तर्क पता है क्या देते हैं, वो कहते हैं देखो अमेरिका में हर चीज फास्ट हो जाती है, तुम्हारे देश में कोई भी चीज नहीं होती, 10 साल में नहीं होती, 15 साल में नहीं होती, हमारे अमेरिका में तो एक फोन पे सब होता है, और हमारे यहां हर चीज फास्ट है, गाड़ी चलती है तो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तुम्हारे यहां कल्पना होती है क्या? तो वो कहता जीवन बहुत अच्छा है, तेज है वगैरह वगैरह। तब मैं उनको धीमे से कहता हूं तुम्हें मालूम है वहां का जीवन क्यों तेज है? क्योंकि वहां पुनर्जन्म नहीं होता। आप इसको गंभीरता से सोचिए जरा, जिस जीवन में पुनर्जन्म नहीं है वहां क्या होगा? जो करना है इसी जन्म में करना है, तो जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी कि नहीं? दूसरा जन्म तो है नहीं, तो जो करेंगे जल्दी करेंगे, तो जल्दी करने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनेगी उसी में वो रहेंगे। देखिए टेक्नोलॉजी जो बनती है किसी भी देश में वो मान्यता के हिसाब से बनती है।
एक पहिया है, मान लीजिए मूल तो वो है, बाकी उस पहिए को आप हवाई जहाज में लगा लीजिए, चाहे मोटर कार में लगा लीजिए, चाहे स्कूटर में लगा लीजिए या बैलगाड़ी में लगा लीजिए, है तो पहिया। अब वहां क्या है, जीवन एक ही बार है, बार बार मिलता नहीं है, जो करना है एक ही बार में करना है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जर्मन है, वो थोड़े दिन पहले आया था भारत, दिल्ली में हम लोग बैठे बात कर रहे थे तो बड़ी चिंता करने लगा, यार भारत देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। तो मैंने कहा तुमको क्या परेशानी है, बना लिया तो तुमको क्या परेशानी। अरे यार पाकिस्तान ने भी बना लिया। मैंने कहा क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जर्मनी ने भी तो बना लिया है, फ्रांस ने भी तो बना रखा है, ब्रिटेन ने भी तो बना रखा है। उसने कहा प्रॉब्लम यही है कि इनमें से किसी ने भी अगर गिरा दिया तो मैं तो मरने वाला हूं। तो मैंने कहा सो व्हाट, मरने वाले हो तो फिर पैदा हो जाना। उसने कहा मैं नहीं मानता ना पुनर्जन्म होता है, तुम मानते हो, इसलिए तुम तो दोबारा पैदा हो जाओगे, मैं तो नहीं आने वाला, मुझे तो ये दुनिया देखने को फिर कभी नहीं मिलने वाली, इसलिए मेरी चिंता है ये एटम बम। ये जो जल्दबाजी के लोग होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि शांति से उन्हें इसी जन्म में सब कुछ भोगना है, सारा भोग इसी जीवन में करना है, चाहे एड्स हो जाए, चाहे डायबिटीज हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, भोग नहीं छोड़ना है क्योंकि अगला जन्म नहीं है। ये तो है यूरोप और अमेरिका। अब भारत में देखो, एक बार मैं एक गांव में गया, ये सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। बस्तर नाम का एक जिला है छत्तीसगढ़ में, वहां मैं एक गांव में गया तो वहां के सरपंच को मैंने कहा कि मेरा नाम राजीव दीक्षित है, मैं आपके गांव के किसानों से बात करना चाहता हूं। कहने लगे क्या बात करना चाहते हैं। मैंने कहा भारत देश में बहुत सारी तकलीफें हैं, इन विषयों पर बात करना चाहता हूं। तो उनका उससे क्या होगा, तो मैंने कहा अगर आपको ये समझ में आया तो तकलीफें दूर करने के लिए आप प्रयास करेंगे, मैं भी प्रयास करूंगा। तो उसने कहा तकलीफें दूर होने से क्या होगा, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो उसने कहा वो तो अभी भी है मेरे पास, सुख और शांति दोनों है, आप क्यों परेशान है, मैं तो अभी भी सुख और शांति से ही हूं, परेशान तो आप हैं जो 1000 किलोमीटर यहां चल के आ गए मेरे गांव में, मुझे तो कोई परेशानी नहीं। ये है भारतीयता। फिर मैंने पूछा आप सच में सुख और शांति में, उसने कहा हां। मैंने पूछा ये जो इतनी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इनका क्या, तो उसने कहा अगले जन्म में हल करूंगा, जरूरी है कि सब इसी जन्म में करूं। मेरी एक आजी थी, वो अभी स्वर्गवासी हो गई, वो मुझे रोज यही कहती थी तो इतना भाग भाग क्यों करता है, आज इस गांव में कल उस गांव में। तो मैंने कहा जल्दी भारत की समस्या हल होनी चाहिए, तो उसने कहा इसी जन्म में, अगले जन्म में हो जाएगी, क्यों चिंता करता है इतनी। ये जो ब्रेन है ना, ये जो माइंड सेट है, ये पुनर्जन्म में से निकलता है। माने पुनर्जन्म में रहने वाले लोग और मानने वाले लोगों को किसी चीज की जल्दी नहीं है, इसलिए गो हत्या भी अगले जन्म में रुक जाएगी, यही सोचकर हमारे खासदार वहां बैठे, उनको जल्दी नहीं है, अगले जन्म में हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। ये तो हमारे मन की स्थिति तो ये है। तो जहां सभ्यता का प्रश्न आता है ना, वहां पर सवाल इस तरह से होते हैं शुरू। तो भारत की सभ्यता दूसरे देशों की सभ्यता से एक मामले में जो अलग है, वो मूल ये है कि हम पुनर्जन्म मानते हैं, वो नहीं मानते। अब जरा कल्पना करिए कि जैसे ही आप पुनर्जन्म मानना शुरू करते हैं तो आपकी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। क्या होती है पुनर्जन्म, क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, आत्मा कहां प्रवेश करती है, शरीर कैसे होता है, ये सारी थ्योरीज आपके सामने खुलती है। तो उन थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अपने लॉजिक हैं। उनमें से एक लॉजिक है कि देखो भाई पुनर्जन्म होता है, कर्म के हिसाब से जन्म मिलता है। तो हमने कर्म की थ्योरी को उसमें लगा दिया, जिसको सभी मानते हैं इस देश में, चाहे वो जैन हो या सनातनी हिंदू हो, कर्म के सिद्धांत को सब मानते हैं। कर्म अच्छा करोगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, खराब किया तो खराब मिलेगा। अब अच्छा और खराब क्या, अच्छा कर्म किया तो हो सकता है मनुष्य जन्म मिले, खराब कर्म किया तो चींटी बन गए, मक्खी बन गए, मच्छर बन गए, छिपकली बन गए, सांप बन गए, मेंढक बन गए। अब ये तो थ्योरी है कि हम छिपकली हो सकते हैं, चींटी हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, मेंढक हो सकते हैं, मक्खी हो सकते हैं, मच्छर कुछ भी हो सकते हैं, 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं, उनमें से कोई भी जन्म हमें मिल सकता है अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो। अब इसके आगे हम गए, हमने क्या किया कि भले हम अगले जन्म में कुछ भी बने,
इस जन्म में हम मनुष्य हैं, लेकिन अगले जन्म में अगर हम कुछ और बन गए और हमने इस मनुष्य जन्म में रहते हुए कुछ ऐसे जीव जंतुओं को मार डाला, क्या पता हम भी अगले जन्म में वही बन गए और हमको किसी ने मार डाला, फिर कोई और बन गया तो उसने किसी को मार डाला, तो ये मारामारी कब तक चलेगी। इसलिए अहिंसा का दर्शन हमने ले लिया। यही सोचकर हमारे खासदार वहां बैठे, उनको जल्दी नहीं है, अगले जन्म में हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। ये तो हमारे मन की स्थिति तो ये है। तो जहां सभ्यता का प्रश्न आता है ना, वहां पर सवाल इस तरह से होते हैं शुरू। तो भारत की सभ्यता दूसरे देशों की सभ्यता से एक मामले में जो अलग है वो मूल ये है कि हम पुनर्जन्म मानते हैं, वो नहीं मानते। अब जरा कल्पना करिए कि जैसे ही आप पुनर्जन्म मानना शुरू करते हैं तो आपकी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। क्या होती है पुनर्जन्म, क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, आत्मा कहां प्रवेश करती है, शरीर कैसे होता है, ये सारी थ्योरीज आपके सामने खुलती है। तो उन थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अपने लॉजिक हैं। उनमें से एक लॉजिक है कि देखो भाई, पुनर्जन्म होता है, कर्म के हिसाब से जन्म मिलता है। तो हमने कर्म की थ्योरी को उसमें लगा दिया, जिसको सभी मानते हैं इस देश में, चाहे वो जैन हो या सनातनी हिंदू हो, कर्म के सिद्धांत को सब मानते हैं। कर्म अच्छा करोगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, खराब किया तो खराब मिलेगा। अब अच्छा और खराब क्या, अच्छा कर्म किया तो हो सकता है मनुष्य जन्म मिले, खराब कर्म किया तो चींटी बन गए, मक्खी बन गए, मच्छर बन गए, छिपकली बन गए, सांप बन गए, मेंढक बन गए। अब ये तो थ्योरी है कि हम छिपकली हो सकते हैं, चींटी हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, मेंढक हो सकते हैं, मक्खी हो सकते हैं, मच्छर कुछ भी हो सकते हैं, 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं, उनमें से कोई भी जन्म हमें मिल सकता है अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो। अब इसके आगे हम गए, हमने क्या किया कि भले हम अगले जन्म में कुछ भी बने, इस जन्म में हम मनुष्य हैं, लेकिन अगले जन्म में अगर हम कुछ और बन गए और हमने इस मनुष्य जन्म में रहते हुए कुछ ऐसे जीव जंतुओं को मार डाला, क्या पता हम भी अगले जन्म में वही बन गए और हमको किसी ने मार डाला, फिर कोई और बन गया तो उसने किसी को मार डाला, तो ये मारामारी कब तक चलेगी। इसलिए अहिंसा का दर्शन हमने ले लिया, कोई किसी को ना मारे। अब कोई किसी को ना मारे, ये अहिंसा का दर्शन निकला है पुनर्जन्म की फिलॉसफी में से। फिर इसमें हमारे देश में बड़े ज्ञानी लोग आ गए, जैसे एक बहुत बड़े महान तपस्वी ज्ञानी आ गए जिनका नाम था महावीर स्वामी, तीर्थांकर हो गए। उन्होंने हमको ये ज्ञान दे दिया, उनको ज्ञान तो अद्भुत हो गया, केवल ज्ञान जिसकी कल्पना है, उनका केवल ज्ञान ये है कि ये जो 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं, किसकी क्या भूमिका है ये उनको मालूम है। और 14 वर्ष की उनकी जो तपस्या है वो इसी बात के लिए है कि ये सृष्टि है, प्रकृति है, इसमें कोई जीव है वो कहां क्या कर रहा है, दूसरा है उसको सपोर्ट कर रहा है, तीसरा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये सब क्या व्यवस्था है, ये उनको ज्ञान हुआ। तो वो केवल ज्ञान है, तो वो बोलकर चले गए कि देखो भाई, ये जीव प्रकृति बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रही है, इसको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि इनके जिंदा रहने से तुम जिंदा हो। तुरंत का छोटे भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना, चाहे वो देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ है। कई जीव ऐसे होते हैं ना जो आंख से दिखते हैं, कई नहीं दिखते हैं, तो जो नहीं दिखते हैं उनको भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, जो दिख रहे हैं उनको तो पहुंचना ही नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने जीवों की श्रेणियां बना दिया, एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 5 इंद्रिय हम आते हैं, ऐसे ऐसे बना दिया। और उसके लिए उन्होंने पूरी फिलॉसफी बना दिया कि इसको मारोगे तो ये पाप है, इसको मारोगे तो ये पाप है, वगैरह वगैरह। निकला सब पुनर्जन्म में से है। तो हम चूंकि पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म में 84 लाख योनियां हैं, तरह तरह के जीव जंतु हैं, हमारा जन्म किसी भी योनि में हो जाए, हमको भी कोई ऐसे ही मारे जैसे हमने किसी को मारा, तो बैलेंस टूटेगा। तो इससे हम अहिंसा की तरफ बढ़ते चले गए और डीप और डीप और डीपर होते चले गए। अहिंसा का एक स्थूल स्वरूप और अहिंसा का एक सूक्ष्म स्वरूप दोनों इस देश में विकसित होता चला गया। इसलिए हमारे दिल में बहुत ज्यादा चोट लगती है जब गाय हत्या की बात होती है, पशु हत्या की बात होती है, जीव हत्या की बात होती है, हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हजारों साल की मान्यता से हमने ये ग्रहण किया है, हमारा विचलन इसके लिए होता है। और इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो मार के खा जाते हैं, उनको कोई विचलन नहीं है, क्योंकि उनके यहां पुनर्जन्म नहीं होता है। और पुनर्जन्म नहीं होता है तो जीव हत्या करना कोई पाप नहीं है,
फिर उनको यह समझा दिया गया है कि आप जब पुनर्जन्म मानते नहीं है तो पूरी प्रकृति में जो भी कुछ है वो इसी जन्म के लिए है, तो खाओ मौज करो, भोग करो, खाओ पियो मौज करो। वो फिलोसफी आई, तो खाओ पियो मौज करने में अगर प्रकृति का नाश होता है तो कर लो, बाद में बैलेंस कर लेंगे उसको, पहले नाश कर लो। तो उन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई और जो भी साइंस विकसित किया वो सब प्रकृति के नाश पर आधारित है। हमने जो कुछ बनाया साइंस और टेक्नोलॉजी में वो प्रकृति के सहयोग से और प्रकृति के संरक्षण पर आधारित है। हम जब पुनर्जन्म में गए तो फिलोसफी कहां तक गई? फिलोसफी गई ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग हृदय कस्य सिद्धनम। जो कुछ भी इस चराचर जगत में है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, औरों के लिए भी है, और तुम्हारा उस पर अधिकार उतना ही है जितना तुम्हारे लिए है। सब कुछ तुम्हारा नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए है, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो और पड़ोसी के लालच में मत फंसो। माग हृदय कस्य सिद्धनम, तो हमने बना दिया उसको। और यही फिलॉसफी अलग अलग शब्दों में, अलग अलग मुहावरों में, अनेक अनेक संप्रदायों में आई। मूल वो ये है, इसलिए हमको दिल में चोट होती है और गांधी जी को भी चोट होती है कि गाय का कत्ल क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कभी गाय बन गया तो मेरा भी होगा। भैंस का कत्ल क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कभी भैंस बन गया तो मेरा भी होगा। और जब आप इस फिलॉसफी में आगे जाते हैं तो टेक्नोलॉजी कैसी होगी? टेक्नोलॉजी आप वही लाएंगे जो इसको संरक्षित रखे, जो भी इसको डिस्टर्ब करे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आपके काम की नहीं होगी। तो हमने टेक्नोलॉजी कैसी बनाई? बैलगाड़ी का पहिया बनाया, हवाई जहाज का नहीं, क्योंकि बैलगाड़ी का पहिया धीरे 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 रोटेट करता है और धीरे चलने वाली चीज जमीन पर प्रेशर कम डालती है, उससे जीवों की हत्या कम होती है, इसलिए बैलगाड़ी का पहिया बनाया। इसलिए नहीं कि हम पिछड़े हुए हैं, पहिया हमने जब बना लिया तो हवाई जहाज का भी बना सकते थे, पहिया पहिया होता है, लेकिन हमने समझ बूझ कर बैलगाड़ी को चुना है क्योंकि इसमें न्यूनतम जीव हत्या होती है। हम किसी से पिछड़े हुए नहीं है, बहुत सोच समझ कर हमने बैलगाड़ी को ऑप्शन में लिया है। दूसरी तरफ यूरोप वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, उनकी समझ यही है कि जो करना है इस जीवन में करना है, बाद में जीवन नहीं है, तो हर चीज तेज करनी है तो स्पीड के साथ करनी है, हवाई जहाज का पहिया बना लिया। अब हम कहां फंस गए हैं? उन्होंने जी हवाई जहाज का पहिया बना लिया इसलिए वो फॉरवर्ड है, हमने बैलगाड़ी का पहिया बना लिया हम बैकवर्ड है। ये सबसे बड़ा हमारे मन में बैठा हुआ दुष्चक्र है। दुनिया में कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होता है, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से चीजें तय होती हैं। हम जब ये कहते हैं ना अमेरिका वाले फॉरवर्ड हैं हम बैकवर्ड हैं, तो हम कभी भूल जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका में एक दुर्घटना हुई, उनके यहां भी सुनामी आ गया, कैटरीना उसका नाम, और थोड़े दिन पहले आया रीटा, दो पानी के बड़े जलजले आए उनके यहां। कैटरीना ने अमेरिका के 3 राज्यों का सफाया कर दिया, वो आपने सबने सुना है। 3 राज्यों का सफाया हुआ, लाखों लोग बर्बाद हुए, घर टूट गए, सब कुछ होगा, सड़क पे आ गए। फिर आपने ये भी सुना होगा 5 दिन तक सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करते। हमारे यहां हो जाए तो उस पर गाना गाने लगते। अमेरिका की सरकार ने 5 दिन तक लाखों लोगों की खबर सुध क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो ब्लैक्स थे, काले लोग हैं। जिन राज्यों में ये कैटरीना आया वहां की मेजोरिटी पॉपुलेशन ब्लैक है, तो जॉर्ज बुश को उनकी कोई चिंता नहीं है। क्यों? प्रश्न ही नहीं है पुनर्जन्म का, चिंता क्यों होनी चाहिए? जिनके यहां पुनर्जन्म का प्रश्न होगा ना, उनको चिंता होगी कि अगली बार ब्लैक होकर पैदा हो गए तो हमारे साथ भी कोई ये करेगा। जॉर्ज बुश को चिंता ही नहीं है कि अगले साल ब्लैक भी हो सकते हैं, वो कहता ये आखिरी जीवन है, जो करना है इसी में करना है, उसको चिंता नहीं है। सारी दुनिया के अखबारों में लेख लिखे गए और कहा गया कि अमेरिका अपने को बहुत बड़ा 30 मार्खा कहता है और जनहित का रक्षक कहता है, लेकिन अपनी जनता के साथ अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कर रहा है? 5 दिन तक ना पुलिस भेजी, ना सेना भेजी, ना कुछ भेजा, ना सामान भेजा, लोग बेचारे ठिठुरते रहे, सड़क पे मरते रहे। और जानते हैं आगे क्या हुआ?
आगे ये हुआ कि जिन लोगों को भूकंप ने या तूफान ने प्रभावित किया है उन सब लोगों ने एक दूसरों को जमकर लूटा, एक दूसरे की माताओं बेटियों के साथ जमकर बलात्कार किए, एक दूसरे की जेबें काटी, एक दूसरे के घरों में घुस के सामान लेके आ गए। भयंकर लूटमार अमेरिका में चलती रही 7 दिन तक। फिर जॉर्ज बुश को समझ में आया कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तब उसने आर्मी भेजी वहां, लेकिन आर्मी भी उसको कंट्रोल करने में 3 दिन और लग गया, माने 10 दिन तक अमेरिका में जमकर तांडव हुआ और जल जले से प्रभावित लोगों ने एक दूसरों को मारा, एक दूसरे को लूटा, एक दूसरे के साथ बलात्कार किए, घरों में आग लगाई, सब कुछ हुआ। यह है सभ्यता। अभी भारत की बात करता हूं, भारत में भी सुनामी आया था और हमारे भी 3 राज्य उससे बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, और सुनामी के बाद हमारे मुंबई में तो पूर आ गया, बाढ़ आ गई, और मुंबई के आजू बाजू के करीब 450-450 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इन दोनों ही दुर्घटनाओं में मैंने काम किया था सेवा के रूप में, और हर जगह मैंने देखा कि भारत में जहां ये भयंकर आपत्ति आई है वहां एक भी भारतवासी ने दूसरे को नहीं लूटा, किसी भी भारतवासी ने किसी की बहन के साथ बलात्कार नहीं किया, किसी भी भारतवासी ने किसी मां के साथ बदतमीजी नहीं की, सबने एक दूसरे को मदद किया। यह है सभ्यता। क्यों? पुनर्जन्म होता है। हां, सारे देश वाले इकट्ठे होके पहुंच गए कि भाई इनकी मदद करो, मदद करो। आप में से भी कुछ गए होंगे, क्यों? क्या मालूम अगले जन्म में हमारे साथ ऐसा हो जाए। तो ये जो पुनर्जन्म है ना, ये बहुत कुछ कराता है। अगर हम पुनर्जन्म से नहीं बंधे हों तो हम भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे अमेरिका में होता है। तो पुनर्जन्म की ये फिलॉसफी है जिसने हमको बांधा है एक सांचे में, हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसी हमारी फिलॉसफी है, और साइंस और टेक्नोलॉजी को वैसे ही आगे बढ़ाते हैं जैसी हमारी फिलॉसफी है। अभी देखो, साइंस टेक्नोलॉजी पे मैं आता हूं, समझा रहा हूं आपको। मेरी मां झाड़ू लगाती है, बचपन से मैं उसको देखता हूं घर में झाड़ू लगाते हुए। तो एक बार मैंने मेरी मां को पूछा, ये जो झाड़ू है उसके आगे का हिस्सा ऐसे खुला हुआ है, पीछे का बंद है, क्यों? आगे पीछे एक जैसा क्यों नहीं? तो मेरी मां ने समझाया, देख ये आगे का हिस्सा खुला हुआ है इसलिए कि झाड़ू लगाऊं तो चींटी ना मर जाए उसके नीचे, खोल के रखा उसको तो स्पेस है ना चींटी को निकल के जाने के लिए, एक सीक से दूसरे सीक के बीच में स्पेस है तो वो निकल के चली जाए। ये है टेक्नोलॉजी। हमने झाड़ू भी बनाई है तो ये ध्यान रखा है कि उसके नीचे चींटी ना मर जाए। और भारत में एक तो सीक झाड़ू होती है और एक तो दूसरी झाड़ू होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, क्या कहते हैं उसको, फूल झाड़ू कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको भी बनाते समय ध्यान रखा है कि अगर उसमें स्पेस नहीं हो तो झाड़ते समय चींटी जिंदा जाए। ये है हमारी टेक्नोलॉजी। अब यूरोप वालों ने क्या किया, उन्होंने बनाया है एक मशीन, हां, जो खींच लेता है सबको अपने अंदर। देखा, डस्ट खींचता है, कहते तो उसको डस्ट क्लीनर है लेकिन वो डस्ट क्लीनर नहीं है, डस्ट सकर है, डस्ट को खींचता है और डस्ट के साथ चींटी को भी खींच लेता है, चींटे को भी खींच लेता है, कॉकरोच को भी, और सबको खलास करता है। ये है टेक्नोलॉजी। अब हम इसी में फंसे रहे हैं, हम तो पिछड़े हैं, झाड़ू बनाया है वो तो बहुत आगे हैं, फॉरवर्ड हैं, क्योंकि उन्होंने डस्ट सकर बनाया है। ये हमारी मूर्खता है। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होता दुनिया, हर देश अपनी सभ्यता और अपनी मान्यता के हिसाब से आगे बढ़ता है। हमारी सभ्यता है पुनर्जन्म वाली, इसलिए हम जो भी करेंगे उसको ध्यान में रखकर करेंगे। हर जगह आप यही देखेंगे, हिंदुस्तान में जो भी स्वदेशी टेक्नोलॉजी बनेगी, आगे बढ़ेगी, उसमें हर जगह आप यही पाएंगे। अगर वो टेक्नोलॉजी किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाई है जो खरा हिंदुस्तानी है, अमरीका रिटर्न है, तो कबाड़ा करेगा इस देश में। हां, क्योंकि वहां जो देख के आया है ना कचरा, वो सब यहां चालू कर देगा, कहेगा क्या फालतू काम करते हो, झाड़ू लगाते हो, डस्ट सकर लेके आओ,
उसको थोड़ी देर बिजली लगाओ, पों पों करो, खींच लो सब। अब उसमें कितनी चींटी मरे, कितने मच्छी, कितने मक्खर, उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसको पुनर्जन्म में मतलब नहीं है, जो है वो इसी जन्म में है। फिर हम क्या करें, उसकी नकल कर करके हमारे घर में लेके आए, फिर अपने को कहें हाँ हम बहुत स्मार्ट हैं, हम तो बहुत फॉरवर्ड हैं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बिना अपनी सभ्यता को समझे हुए, बिना अपनी संस्कृति को जाने हुए दूसरों पर टिप्पणी करना और अपनों को उससे नीचे मान लेना, यही मूर्खता है। हम तो इसी में फंसे हैं। तो जब भी ये बात खड़ी होती है ना, वो गांधी जी के सामने हो या आपके सामने, गाय कट रही है, भैंस कट रही है, तो जो भारतीयता के लोग हैं, जो पुनर्जन्म में मानते हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, भले किसी भी संप्रदाय के हैं, उनके दिल में कसक उठती है कि ये गाय क्यों कटती है। कर नहीं पाते हो वो अलग बात है, कसक तो है दिल में, और इतनी तीव्र कसक है कि आप जरा खुलकर बात कर लो तो इतना फट पड़ते हैं कि गाय बचाने के लिए मुझे मेरी जान देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। क्यों आता है इतना तीव्र हमें उद्वेग? ये जो हमारे मंच पे थोड़ी देर पहले विलास भाई बैठे थे ना, 74 साल की उम्र में, उनके मन में इतना उद्वेग क्यों है? वो इसलिए है, पुनर्जन्म की मान्यता है। और हम सब इस मान्यता से बंधे हुए हैं। तो अब हमारे सामने प्रश्न क्या है? हमारे सामने प्रश्न ये है कि जिस मान्यता को हमने धारण किया है उसके अनुरूप अपने देश की कानून व्यवस्था होनी चाहिए, या कानून व्यवस्था के अनुरूप हमारी मान्यता होनी चाहिए? ये प्रश्न है सबसे बड़ा। कत्ल खानों का बंद होना नहीं होना, ये इस प्रश्न से तय होने वाला है। हिंदुस्तान में कानून बने हैं, कायदे बने हैं, वो अंग्रेज बनाकर चले गए, उन कानूनों के अनुसार गाय का कत्ल नहीं हो सकता, लेकिन बूढ़ी गाय का हो सकता है उसी कानून के अनुसार। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून जब उन्होंने बहुत दबाव में आके तय किया, और बाद में भारत सरकार ने इसको राज्यों के स्तर पर बनवाया, केंद्र ने तो आज तक नहीं बनाया। भारत में आप जानते हैं 18 राज्य हैं जिन्होंने ये कानून बना दिया है, उसमें महाराष्ट्र भी एक है, कि गाय का कत्ल तो नहीं करेंगे लेकिन अस्वस्थ गाय है तो कर लेंगे, स्वस्थ का नहीं करेंगे अस्वस्थ का कर लेंगे। तो स्वस्थ और अस्वस्थ होने के बीच में एक बहुत बहुत बारीक लाइन है। एक डॉक्टर बैठता है कत्ल खाने के गेट पर, जो ये सर्टिफिकेट देता है कि ये स्वस्थ है ये अस्वस्थ है, उसके सर्टिफिकेट से तय होता है। एक बार मैं देवनार कत्ल खाने में गया, मेरी आंखों के सामने बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गाय एकदम स्वस्थ कटने के लिए गई, और गेट पे डॉक्टर बैठा था। मैंने कहा भाई कानून ये कहता है महाराष्ट्र का कि गाय नहीं कटनी चाहिए। उसने कहा कानून में ध्यान से पढ़ो, लिखा है कि बीमार गाय कटनी चाहिए। मैंने देखा बात सही है, स्वस्थ तो नहीं काट सकते, अस्वस्थ तो काट सकते। तो मैंने कहा कैसे मालूम तुमको ये अस्वस्थ है? उसने कहा मेरा सर्टिफिकेट है। तो मैंने कहा तुम अस्वस्थ कैसे बना सकते हो किसी गाय को? उसने कहा बहुत आसान है, किसी भी स्वस्थ गाय के पांव में डंडा मार दो, लंगड़ा के चलने लगे, अस्वस्थ हो गई। किसी भी गाय की पूंछ काट दो, अस्वस्थ हो गई। कान काट दो, अस्वस्थ हो गई। 5 दिन भूखा रखो, चल नहीं पाएगी, अस्वस्थ हो गई। तो कटने के लिए जाएगी, कानून से जाएगी, उसमें मान्यता का प्रश्न नहीं है, कानून का प्रश्न है। तो इस समय भारत के 18 राज्यों में यह कानून है कि गोरक्षा के लिए, लेकिन हर कानून में यह लगा हुआ है। कई राज्यों में यह है कि बछड़ा अगर 3 वर्ष से छोटा है तो नहीं कटेगा, 3 वर्ष से 1 दिन भी ऊपर है तो कटने को जा सकता है। तो कानून बना दिए उन्होंने, और हम हिंदुस्तानी जो देश चलाते हैं अंग्रेजियत की मान्यता से इतने प्रेरित हैं कि इस तरह के कानूनों को सुधारते रहते हैं 58-59 साल से, जड़मूल से खत्म नहीं करते अपनी मान्यता के अनुसार। कि गाय बीमार हो या स्वस्थ तुमको क्या लेना देना, तुमने पैदा नहीं किया तुम मारते कैसे हो उसको? जिसने पैदा किया है वो तय करेगा कि इसको कब मरना है कब नहीं मरना है, तुम कौन होते हो बीच में अड़ंगा लगाने वाले? ये तो मान्यता का प्रश्न है, कानून में नहीं आता। तो अब इस देश में हमें यह तय करना है कि कानून का राज चलेगा कि मान्यताओं का, प्रश्न ये है इस देश में। हमें तय करना है, पुढ़ारियों को तय नहीं करना है। वो तो हमें और आपको उल्लू बना रहे हैं जैसे अंग्रेज बनाते थे, 250 साल उन्होंने बनाया, 58-59 साल हो गए, ये काले अंग्रेज हमको उल्लू बना रहे हैं। वो तो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं सबके। हाँ कोई अंतर थोड़ी है इनमें, ऐसी ही बातें करते हैं जैसे अंग्रेज करते थे, और कभी कभी तो शर्म भी छोड़ के बातें करते हैं।
अभी वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 8 जुलाई सन 2005 को लंदन गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने, तो वहां भाषण दे दिया कि हमसे गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया भारत से। आपको मालूम है ये भाषण दिया उन्होंने ऑक्सफोर्ड, हमसे गलती हो गई जो हमने भगा दिया अंग्रेजों को। तो अगर इसी को ही विश्लेषण करना शुरू करें कि एक सरदार है मनमोहन सिंह जो कहते हैं कि अंग्रेजों को भगाना गलती हो गई, एक सरदार था भगत सिंह जो अंग्रेजों को भगाए बिना चैन नहीं लूंगा इसका संकल्प लेकर बैठा था, एक सरदार मनमोहन सिंह जो अंग्रेजों को भगाने को गलती मानते हैं, अंग्रेजी शासन को भारत को उपहार मानते हैं कि अंग्रेजी शासन बहुत अच्छा था जिसने हमको न्याय दिया, कानून दिया, सभ्यता दिया, शिक्षा दिया, टेक्नोलॉजी दिया, साइंस दिया, ये सब अंग्रेजी शासन ने दिया। और एक था सरदार ऊधम सिंह जो मानता था कि अंग्रेज सिवाय लुटेरे और कुछ करते नहीं लूट मार करने के अलावा। तो ये प्रश्न जो है ना वो कानून का नहीं है, मान्यताओं का प्रश्न है। अब मनमोहन सिंह की मान्यता है कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे तो अंग्रेजी कानून भी अच्छे हैं, तो मनमोहन सिंह तो अंग्रेजी कानूनों को ही आगे बढ़ाएंगे ना, जिनकी मान्यता है वो तो वही करने वाले हैं। आपकी मान्यता है चींटी नहीं मरनी चाहिए तो आप झाड़ू लगाते समय ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उनकी मान्यता है ही नहीं है तो वो ध्यान क्यों रखेंगे, कत्ल खाने चले ना चले क्या फर्क पड़ता है? तो ये मान्यताओं का प्रश्न जब आता है तो सरकार कहां जाती है, कानून के साथ, मान्यताओं के साथ नहीं जाती है। तो कानून इस तरह के हैं कि कत्ल होते जाएं, और अब नए नए कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं, उसमें से एक कानून अभी थोड़े दिन पहले बना है इस देश में, नीति बनी है पहले तो पॉलिसी फिर कानून, कि भारत से जो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है इसको डबल किया जाए। अभी जितना हम जानवर काट के मांस बेचते हैं इसकी मात्रा दोगुनी कर दी जाए, ये पॉलिसी बनी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अभी 3600 कत्ल खाने चलते हैं तो इनकी संख्या 10,000 करनी पड़े, यही होगा ना? तो इस पॉलिसी के तहत सोलापुर में 2 कत्ल खाने खुलने जा रहे हैं, ये है कहानी। इसी पॉलिसी के तहत नागपुर में एक नया कत्ल खाना खुलने जा रहा है, और इसी पॉलिसी के तहत पंढरपुर में एक कत्ल खाना खुलने जा रहा है, इसी पॉलिसी के तहत थोड़े दिन में तुलजापुर में खुलेगा, इसी पॉलिसी के तहत अक्कलकोट में खुलेगा फिर, क्योंकि पॉलिसी तो मान्यता से नहीं चलती ना, वो कानून और न्याय से चलती है। न्याय की परिभाषा वो नहीं जो हमारी मान्यता वाली है, न्याय की परिभाषा वो जिसको लॉ कहते हैं, जस्टिस नहीं, लॉ अलग है जस्टिस अलग है। तो इस पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने तय कर दिया है, क्योंकि ये अंग्रेजियत की मान्यता है ना, तो उसी अंग्रेजियत की मान्यता से अब सब कुछ संचालित है इस देश में, कुछ बदला नहीं है। अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजियत की सारी नीतियां चल रही हैं, अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजों के बनाए गए सारे कानून चल रहे हैं, अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजों का बनाया गया पाठ्यक्रम इस देश में चल रहा है, अंग्रेज रख लो लेकिन इस अंग्रेजियत को विदा करो। हमने उल्टा किया है, अंग्रेजों को विदा किया है, अंग्रेजियत को नहीं छोड़ा। तो अंग्रेजियत शासन तंत्र में भी है, कानून में भी है, शिक्षा में भी है, हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार में भी है। उसी अंग्रेजियत ने भारत सरकार को प्रेरित कर रखा है जो भारत सरकार कहती है कि मीट एक्सपोर्ट डबल होना चाहिए। अब तक हमारे देश में 72 लाख मीट्रिक टन मांस उत्पादन होता है, सरकार चाहती है कि ये 140 लाख मीट्रिक टन हो जाना चाहिए। इसके लिए जितने पैसे की जरूरत है केंद्र सरकार देने को तैयार है, और केंद्र सरकार ने कहा है कि सारे कत्ल खाने खोलो सब्सिडी हम देंगे, और कत्ल खाना खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी आराम से मिलती है, और कई करोड़ रुपए का कर्ज बिना ब्याज के मिलता है। अगर यह कानून का प्रश्न नहीं होता, अंग्रेजियत का प्रश्न नहीं होता, तो 140 लाख मीट्रिक टन हो जाना चाहिए। इसके लिए जितने पैसे की जरूरत है केंद्र सरकार देने को तैयार है, और केंद्र सरकार ने कहा है कि सारे कत्ल खाने खोलो सब्सिडी हम देंगे, और कत्ल खाना खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी आराम से मिलती है, और कई करोड़ रुपए का कर्ज बिना ब्याज के मिलता है।
अगर ये कानून का प्रश्न नहीं होता, अंग्रेजियत का प्रश्न नहीं होता, तो क्या होता? मान्यता का अगर प्रश्न होता तो इस देश की मान्यताओं के हिसाब से सजाया हुआ है और दूसरे का कोई हस्तक्षेप आप उसमें पसंद नहीं करते हैं, तो अपने देश को अपनी मान्यताओं के हिसाब से सजाइए, दूसरे के हस्तक्षेप को क्यों पसंद करें? क्योंकि ये जो हमारा छोटा घर है, इन्हीं छोटे छोटे घरों से मिलकर देश बनता है जो बड़ा घर है। ये तो नहीं चलने वाला कि घर हम हमारी मान्यता के हिसाब से चलाएं और देश को विदेशी मान्यताओं के हिसाब से चलाएं या विदेशी नीतियों के हिसाब से चलाएं। ये तो नहीं चलने वाला। और अगर ये चलेगा तो हर समय संघर्ष होगा। ये कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। घर आपने संवारा है अपने हिसाब से, कोई पड़ोसी आके कहे जी उड़द की दाल खाओ रोज, तुअर की अच्छी नहीं होती, और बैंगन का भरता खाओ, ये बटाटा अच्छा नहीं होता, और दूधी भोपले का ये करो, ये अच्छा नहीं होता, रोज आपको आके सवेरे सवेरे भाषण दे, कितने दिन सुनेंगे? कहेंगे भाई तू जा तेरे घर में कर, हमें क्या करना है वो हम तय कर लेंगे, तू कौन होता हम उड़द की दाल खाएं कि तुअर की दाल खाएं, तू कौन होता ये बताने वाला कि हम दूधी भोपले का रस पिए कि नहीं पिए, होता कौन है तू, हमारे घर में हम तय करेंगे। अगर हम अपने घर के लिए अधिकार पूर्वक इतनी तीव्रता से कहते हैं तो देश के लिए क्यों नहीं कहते कि हमारे देश में क्या करना है वो हम तय कर लेंगे? ये अंग्रेजियत की संसद कौन होती है या अंग्रेजियत के कानून चलाने वाले पुढ़ारी कौन होते हैं? देश हमारा है, समाज हमारा है, हम तय करेंगे इस देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जितनी तीव्रता से हम हमारे घर के लिए कहते हैं उतनी तीव्रता से समाज के लिए कहें, देश के लिए कहें जी उड़द की दाल खाओ रोज, तुअर की अच्छी नहीं होती, और बैंगन का भरता खाओ, ये बटाटा अच्छा नहीं होता, और दूधी भोपले का ये करो, ये अच्छा नहीं होता, रोज आपको आके सवेरे सवेरे भाषण दे, कितने दिन सुनेंगे? कहेंगे भाई तू जा तेरे घर में कर, हमें क्या करना है वो हम तय कर लेंगे, तू कौन होता हम उड़द की दाल खाएं कि तुअर की दाल खाएं, तू कौन होता ये बताने वाला कि हम दूधी भोपले का रस पिए कि नहीं पिए, होता कौन है तू, हमारे घर में हम तय करेंगे। अगर हम अपने घर के लिए अधिकार पूर्वक इतनी तीव्रता से कहते हैं तो देश के लिए क्यों नहीं कहते कि हमारे देश में क्या करना है वो हम तय कर लेंगे? ये अंग्रेजियत की संसद कौन होती है या अंग्रेजियत के कानून चलाने वाले पुढ़ारी कौन होते हैं? देश हमारा है, समाज हमारा है, हम तय करेंगे इस देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जितनी तीव्रता से हम हमारे घर के लिए कहते हैं उतनी तीव्रता से समाज के लिए कहें, देश के लिए कहें, तो इस समस्या का समाधान 5 मिनट में निकलता है। इससे उस दिन तक रखो जिस दिन तक उपयोग करना है, नहीं है तो खत्म करो उसको। तो हमारी सरकार इस समय थ्योरी ऑफ यूटिलिटी में फंसी हुई है, और सरकार ही नहीं पुढ़ारी भी उसमें फंसे हुए हैं। तो तर्क क्या देते हैं जी, जो जानवर उपयोगी नहीं है उनका कत्ल क्यों नहीं कर देना चाहिए, ये तर्क आता है। तो उनको पूछना चाहिए कि हमारी मान्यता में तो ऐसा कहने का अधिकार किसी को नहीं है कि क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है, क्योंकि जिसने ये प्रकृति बनाई है वो कहे तो समझ में आता है कि ये उपयोगी है और ये उपयोगी नहीं है। तुमने तो कुछ नहीं किया है इस प्रकृति में, तुम कौन होते हो तय करने वाले कि ये उपयोगी है या ये उपयोगी नहीं है। और अगर यही प्रश्न मान के चले कि गाय दूध नहीं देती तो उपयोगी नहीं है, भैंस दूध नहीं देती तो उपयोगी नहीं है, इसलिए इनका कत्ल करो, तो उनसे पूछो जो ये थ्योरी देते हैं कि भाई थोड़े दिन के बाद तो तुम्हारी आई भी दूध नहीं देती, तो पूछो ना, वो भी उपयोगी नहीं है, उसको भी कत्ल करो। और थोड़े दिन के बाद तो तुम्हारे वड़िल किसी काम के नहीं है, वो भी उपयोगी नहीं है, तो उनको भी कत्ल करो, क्योंकि थ्योरी ऑफ यूटिलिटी तो बहुत खतरनाक है। अगर आप ऐसे ही अपने जीवन को चलाएंगे कि क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है, तो थोड़े दिन के बाद तो आपके लिए कुछ भी उपयोगी नहीं होगा। जो कत्लखाना बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि वो बहुत माइनॉरिटी के लोग हैं जो कत्ल खाना बनाना चाहते हैं, उसमें महापौर हो सकते हैं, महापालिका के लोग हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग हैं जो नहीं चाहते, तो उनको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। अब हमारे देश में एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, विनय न मानह जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। भगवान राम समुद्र को विनय कर रहे हैं कि भाई रास्ता दे दो,
लंका में जाना है। समुद्र कहता नहीं दूंगा, तुम कौन होते हो? तो तुलसीदास कह रहे हैं कि भय बिन होए न प्रीत, जब तक आप डर नहीं दिखाओगे समुद्र को, ये आपसे प्रेम नहीं करने वाला। तो वही फॉर्मूला हमें अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी मान्यता का सवाल है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हुई अभी जिस गांव में मैं जाके आया, जिस बंजारे समाज को भारत सरकार चोर और बेईमान साबित करने में लगी है, उनकी मान्यता है कि हम कत्लखाना बनने नहीं देंगे, हमारी अस्मिता का प्रश्न। उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको, और पूरे गांव ने कहा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा है। तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। और ये सिर्फ एक समुद्र को विनय कर रहे हैं कि भाई रास्ता दे दो, लंका में जाना है। समुद्र कहता नहीं दूंगा, तुम कौन होते हो? तो तुलसीदास कह रहे हैं कि भय बिन होए न प्रीत, जब तक आप डर नहीं दिखाओगे समुद्र को, ये आपसे प्रेम नहीं करने वाला। तो वही फॉर्मूला हमें अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी मान्यता का सवाल है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हुई अभी जिस गांव में मैं जाके आया, जिस बंजारे समाज को भारत सरकार चोर और बेईमान साबित करने में लगी है, उनकी मान्यता है कि हम कत्लखाना बनने नहीं देंगे, हमारी अस्मिता का प्रश्न। उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको, और पूरे गांव ने कहा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा है। तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। और ये सिर्फ एक गांव नहीं कह रहा है, उसके आजू बाजू के 11 गांव कह रहे हैं कि हम ये कत्ल। उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको, और पूरे गांव ने कहा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा है। तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। और ये सिर्फ एक गांव नहीं कह रहा है, उसके आजू बाजू के 11 गांव कह रहे हैं कि हम ये कत्लखाना नहीं बनने देंगे। तो ये 11 गांव की ग्राम सभाएं थोड़े दिन में 100 हो सकती हैं, पूरा को सोलापुर जिले की ग्राम सभाएं ये प्रस्ताव पारित कर सकती हैं कि नहीं हम नहीं होने देंगे। तो आपकी भूमिका क्या है? आपकी भूमिका ये है कि जिन्होंने ये तय कर लिया है कि नहीं होने देंगे, उनके साथ सहयोग करना है, बस इतनी सी भूमिका है। और जो जैसा सहयोग कर सके, तन से कर सके तन से, मन से कर सके मन से, धन से कर सके धन से, जैसा भी सहयोग कर सके करिए। अपनी सीमा आप जानते हैं कि मैं कितना सहयोग कर सकता हूं, और उनकी सीमा आपकी सामने है, आपको सहयोग करना है बस। और वो इतने कन्विंस हैं इस बात से, वो कहते हैं कि कोई लड़ाई हमें लड़नी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं है। फिर मैंने पूछा राजनीतिक दबाव आया तो उन्होंने कहा तो क्या, आता रहता है वो, तो हम पीछे नहीं हटने वाले उसमें भी। अगर उन्होंने इतना ठाम निर्णय ले रखा है तो हमको तो थोड़ा सा ही निर्णय करना है कि इनके इस काम में सहयोग देना है। लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं, हमें तो सहयोग करना है, और आपका सहयोग उनके बहुत बड़े ताकत का काम करेगा। तन से कर सके तन से, मन से कर सके मन से, धन से कर सके धन से, जैसा भी सहयोग कर सके करिए। अपनी सीमा आप जानते हैं कि मैं कितना सहयोग कर सकता हूं, और उनकी सीमा आपकी सामने है, आपको सहयोग करना है बस। और वो इतने कन्विंस हैं इस बात से, वो कहते हैं कि कोई लड़ाई हमें लड़नी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं है। फिर मैंने पूछा राजनीतिक दबाव आया तो उन्होंने कहा तो क्या, आता रहता है वो, तो हम पीछे नहीं हटने वाले उसमें भी। अगर उन्होंने इतना ठाम निर्णय ले रखा है तो हमको तो थोड़ा सा ही निर्णय करना है कि इनके इस काम में सहयोग देना है। लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं, हमें तो सहयोग करना है, और आपका सहयोग उनके बहुत बड़े ताकत का काम करेगा। इतनी ताकत उनको मिलेगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते।
अब सहयोग कैसे करना है। मान लीजिए कल को वो कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें, धरने का, प्रदर्शन का, उपवास का, सत्याग्रह का, तो आप उसमें शामिल हो जाइए। वो कोई मेमोरेंडम देने के लिए यहां आए तो आप भी उनके साथ चले जाइए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये लड़ाई अकेले वो लड़ रहे हैं, उनको ये लगना चाहिए कि पूरा समाज उनके साथ इस लड़ाई में शामिल है। और भारत के लोगों में बहुत शक्ति है, मैं आपको सच बता रहा हूं, इस देश के लोगों की इतनी बड़ी शक्ति है कि बड़े बड़े एम्पायर इस देश ने हिला दिए। श्रीमती गांधी के बारे में इस देश में एक जमाने में कहा जाता था कि उनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता, इन्हीं हिंदुस्तानियों ने उनको आसमान से जमीन पर लाया है। तो अभी तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जो श्रीमती गांधी के बराबर की हो ताकत में, हाँ इतनी हैसियत तो फिलहाल किसी की नहीं दिखती है इस देश में। तो ये कौन होते हैं, इनकी ताकत इतनी नहीं है। जब श्रीमती गांधी की सरकार को हिंदुस्तानी लोग आसमान से जमीन पे ला सकते हैं और श्रीमती गांधी की जमानत जब्त करा सकते हैं, तो ये हिंदुस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ताकत है। बस इनको ध्यान दिलाने वाला कोई चाहिए, जैसे रामचंद्र जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था, तुम्हारी बहुत ताकत है, तुम इस समुद्र को पार कर सकते हो, करके तो देखो एक बार। और मारा छलांग और हनुमान जी पहुंच गए श्रीलंका। फिर राम ने कहा तुम्हारी बड़ी ताकत है, आग लगा सकते हो, लगा के तो देखो, लगा दिया। तो भारत के लोग हनुमान जी जैसे हैं, जब आप बताओगे कि बहुत ताकत है तो वो खड़े हो जाएंगे, फिर उनके सामने कोई नहीं टिकने वाला है। मेरा ये कहना है ये सरकारें जो है ना वो हमसे हैं, हम सरकारों से नहीं है। और हम सरकार चलाने के लिए वोट दे रहे हैं, नोट दे रहे हैं, तो हमें अधिकार है सरकार को आदेश देने का, निवेदन करने का नहीं, आदेश देने का अधिकार है। निवेदन तो हम तब करते थे जब अंग्रेजों की सरकार चलती थी इस देश में कि हम आपके पास एक मेमोरेंडम लेके आए हैं, इसको जरा ध्यान दीजिए। अभी तो आप बोलिए हम आदेश पत्र लेके आए हैं, इसको करिए, क्योंकि आपको वोट दिया है और नोट भी दे रहे हैं। और सरकारें तो हमारी नौकर हैं, हम तो मालिक हैं इस देश के, क्योंकि वोटर इस देश का मालिक है, टैक्स पेयर इस देश का मालिक है। आप सोलापुर महानगर पालिका को टैक्स पे करते हैं अच्छा काम करने के लिए, खराब काम करने के लिए नहीं। हम सरकारें बनाते हैं अच्छे काम करने के लिए, खराब काम करने के लिए नहीं। और सोलापुर में लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं 80% तो पक्का है कि वो जीवदया प्रेमी हैं, क्योंकि भारतीयता को मानने वाले हैं। तो वो कहें इस बात को कि हम तो जीवदया में मानते हैं, आपको हर साल टैक्स भरते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से आप कत्ल खाना चलाएं, ये तो अधिकार हमने आपको नहीं दिया है। कुछ अच्छा काम करना हो तो करिए, नहीं तो जाइए, हम किसी दूसरे को लाएंगे, आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। अच्छा काम कुछ करना है तो सड़कें ठीक कर दीजिए सोलापुर की, पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था कर दीजिए, स्कूल नहीं चलते हैं उनकी देखभाल कर लीजिए, बिजली नहीं मिल रही है उसको जरा देखिए, इस तरह के कुछ काम कर दीजिए, सोलापुर की मिलें बंद हो रही हैं उनके लिए कुछ कर लीजिए। हमने आपको कत्ल खाना चलाने के लिए टैक्स नहीं दिया है। और ये बात सोलापुर में ही बोलने की जरूरत नहीं है, इस बात को भारत सरकार के स्तर तक बोलना है कि हम आपको हर साल 7,50,000 करोड़ रुपए टैक्स में भरते हैं, इसके लिए नहीं कि आप मीट एक्सपोर्ट बढ़ाएं इस देश का। हम नहीं चाहते कि भारत से मांस का निर्यात हो, हम चाहते हैं कि भारत से दया, प्रेम, करुणा का निर्यात हो, जो हजारों साल से हमने किया है। हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में जितने भी महान लोग आए हैं उन्होंने भारतीय सभ्यता का निर्यात किया है, मांस का निर्यात नहीं किया है। और सीधे सीधे प्रश्न करने हैं कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च की सत्याग्रह अगर जयंती आप मनाते हो तो किस मुंह से ये कत्ल खाने खुलवाते हो? या तो ये पाखंड बंद करो गांधी जी का मार्च का, सत्याग्रह का, जयंती मनाने का, और सबको कहो कि हमने गांधी जी को दफन कर दिया है। और या गांधी जी को मानते हो तो उनके जीवन की सबसे महत्व की बात है कि कत्ल खाना कलम की एक नोक से बंद होना चाहिए, उसका पालन करो।
या तो लोगों से कहो कि हमने गांधी जी को छोड़ दिया है, तो हिंदुस्तान के सभी नोटों से गांधी जी की तस्वीर मिटाओ, सभी डिग्री कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से गांधी जी की फोटो हटाओ, सब हिंदुस्तान के ऑफिसर्स के जो बड़े बड़े कक्ष हैं वहां से गांधी जी को हटाओ, हिम्मत है तो करो और कहो सबको कि हमने तो गांधी जी को बुला दिया है, हम नहीं मानते उनको। और अगर ये हिम्मत नहीं है तो कम से कम पाखंड तो मत करो। ये तीखे प्रश्न समाज में आने चाहिए, और ये इसलिए कि हमारी सभ्यता की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है, ये व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक नहीं है, ये सभ्यता का प्रश्न है, ये मान्यता का प्रश्न है, किसी भी राजनीति से बड़ा है। और भारतीयता में अगर मैं राजनीति को परिभाषित करूं तो राजनीति के बारे में आप मन में एक छोटा सा कहीं कॉर्नर में बिठा दीजिए कि राजनीति सिर्फ टॉयलेट रूम जैसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर में टॉयलेट रूम होता है ना, लेकिन पूरा घर टॉयलेट रूम नहीं हो सकता। घर का एक छोटा सा कोना टॉयलेट रूम होता है जिसमें 10-15 मिनट हम बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। राजनीति भी वहीं तक है, क्योंकि उसके आगे तो बहुत कुछ है, किचन है, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, वो महत्व के हैं, टॉयलेट रूम नहीं है, 15 मिनट के लिए है बस। तो राजनीति भी उतनी ही है, इसको इससे ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए, नहीं तो तकलीफ करेगी आपको। राजनीति को हमने जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ा लिया है, और इतना चढ़ा लिया है कि हर छोटे बड़े काम में किसी न किसी पुढ़ारी को पकड़ के लाते हैं। हाँ, मंदिर का उद्घाटन वो पुढ़ारी करता है जो जिंदगी भर बलात्कार करता रहा है, जिसने दूसरों के घर जलाए हैं, दूसरों के घर में चोरियां लगाई हैं, वो मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। रामकथा का उद्घाटन वो पुढ़ारी करता है जो चरित्र में बिल्कुल रावण से भी गया बीता है। कृष्ण कथा का उद्घाटन वो पुढ़ारी करता है जो कंस से भी 10 फीट नीचे है नैतिकता में और चरित्र। हमने सच में इनको सिर पर चढ़ा रखा है, हर छोटे बड़े काम में इनके आगे पीछे घूमते रहते, आइए जी हमारे यहां उद्घाटन, कहां फंस गए आप इनके चक्कर में। इसलिए मैंने बहुत गंभीरता से सोच विचार कर कहा है, पुढ़ारी और पॉलिटिक्स माने टॉयलेट रूम। घर की जरूरत है, लेकिन पूरा घर वो नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है, उतना ही भर रखिए उसको। उतना भर रखेंगे तो ये सीधे रहेंगे और एकदम चलते रहेंगे आपके कहने पर। जो आपने सिर पे बिठा लिया, अगर पूरा घर टॉयलेट बना लिया तो क्या होने वाला, घर छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। इसलिए ज्यादा इनको सिर पे मत चढ़ाइए और ज्यादा इनको इस तरह से तवज्जो मत दीजिए, हर समय उनके आगे पीछे मालाएं लेके खड़े हो जाना। हम जानते हैं कि चरित्र से बहुत घटिया है, बेईमान है, चोर है, लुच्चा है, लफंगा है, लंपट है, फिर काय के लिए मालाएं लेके खड़े हैं उसके सामने, जब जानते हैं। नहीं जानते तो बात अलग है, आपको मालूम है, सब कुछ खुला है आपके सामने उसका, फिर इतना क्यों उसको तवज्जो देना। थोड़ा स्वाभिमानी तो बनिए। भारत के लोग तो स्वाभिमान के लिए गर्दन कटा देते हैं, स्वाभिमान नहीं छोड़ते हैं, हमने जितना छोड़ दिया है। तो जब आप थोड़े स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से खड़े होने लगेंगे तो ये पॉलिटिशियन आपकी इज्जत करने लगेंगे। जब इनके सामने आप गिड़गड़ाते और रुंगाते खड़े रहे, ये आपके सिर पर चढ़ के बैठेंगे। इसलिए उनको उनकी जगह रहने दीजिए, आप अपनी जगह तलाशिए। और इस समाज में इस प्रश्न को, कतल खाने के प्रश्न को, भारत की सभ्यता और अस्मिता का प्रश्न बनाइए। सिर्फ कतल खाना रोकने तक ये सीमित नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। गांधी जी जिसको लड़ना चाहते थे आजादी के बाद, वो अधूरी है, इसको पूरा करने का काम हमें करना है। गांधी जी इस प्रश्न को पूरी सभ्यता के साथ जोड़कर देखते थे, वो कहते थे कि ये प्रश्न अंग्रेजियत का है, इससे कम नहीं है कुछ भी। तो आज भी वही अंग्रेजियत का प्रश्न हमारे सामने है। इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे उनका समाधान आप करिए, जैसे थ्योरी ऑफ यूटिलिटी की बात मैंने कही, बीमार हैं, अपंग हैं, लूले लंगड़े पशु हैं, उनका क्या करना, तो कहिए हम संभालेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं उनकी। हरेक पशु का मूत्र और उसका शेन, यही इकट्ठा करें तो साल का लाख रुपए का इनकम है, मैंने आपसे कहा और इसको हम सिद्ध कर चुके हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे। फिर कोई लोग ये कहेंगे कतल खाना तो बन गया है, 40% पूंजी लग गई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, तो क्या, बन गई है तो उसका दूसरा कोई उपयोग हो सकता है।
क्या उपयोग हो सकता है? जहां कत्ल खाना हो सकता है वहां गौशाला भी हो सकती है। मैं देख के आया हूं, बहुत अच्छा शेड बनाया है, वहां कम से कम 1000 गाय हम पाल सकते हैं और पूरे सोलापुर नगर को गाय का दूध पिलाएंगे। हमारे वर्धा शहर में ऐसा होता है, गाय पालने वाले किसानों की एक सहकारी संस्था बनाई है, वो रोज 56,000 लीटर दूध पिलाती है शहर के लोगों को। तो ये वर्धा में हो सकता है, तो सोलापुर में हो सकता है। तो हम वहां गाय पालेंगे, दूध पिलाएंगे और अच्छी नस्ल की गाय का पिलाएंगे जो हम भूल गए हैं। जैसे राठी नस्ल की एक गाय होती है राजस्थान में, अद्भुत दूध देती है, एक गाय 35 लीटर दूध देती है, कोई सोच नहीं सकता। हमने तो इतनी कल्पना की है कि जर्सी गाय 35 लीटर दूध देती है, भारत की स्वदेशी राठी नस्ल की गाय 35 लीटर दूध देती है और दूध अद्भुत है उसका, जो पीते हैं वो जानते हैं उसके बारे में। तो ऐसी अच्छी अच्छी गाय लाके रखेंगे 1000-2000, उनका जितना दूध होगा वो सोलापुर में बांटेंगे, बच गया तो दही बनाएंगे, दही से ताक बनाएंगे, ताक दूसरों को देंगे और मक्खन हम निकाल के उसका घी बनाएंगे, घी यहां के मंदिरों में काम आएगा। मंदिर तो बहुत है ना, तुलजा भवानी का मंदिर है, अक्कलकोट का मंदिर है, मंदिरों का शहर है ये तो, आजू बाजू में इतने तीर्थ स्थान है, सब जगह घी काम आएगा। और एक बहुत बड़ा काम और आएगा, वो ये, मैं गांव गांव में घूमता हूं, शेतकरी बांधवों से कहता हूं कि आप गाय रखते हो? हां रखते हैं। तो उसको गर्भाधान कैसे कराते हो? तो कहते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, सत्यानाश, इंजेक्शन लगा के उसको गर्भाधान कराते हैं। तो क्यों कराते हो? तो वो मुझे एक मायूसी में बात कहते, राजीव भाई हमारे गांव में बैल नहीं है, सांड नहीं है, क्या करें? तो चलो हम एक केंद्र बनाएं यहां पर जो अच्छे किस्म के सांड पालने का हो और सब गांव में उपलब्ध कराएं उसकी सेवा। राठी नस्ल की गाय है तो राठी नस्ल का सांड भी है, थरपारकर नस्ल का है, साहिवाल नस्ल का है, भारत में 40 नस्ल के बहुत उत्तम किस्म के सांड हैं, उनको यहां लाके रखेंगे, जिसकी जरूरत हो वो गांव में लेके जाए और उसकी गाय को या तो यहां छोड़कर जाए, सेवा उसको प्राकृतिक रूप से मिलेगी। तो परिणाम क्या निकलेगा? वो गाय की नस्ल सुधरती चली जाएगी। आप जानते हैं ये इंजेक्शन लगा लगा के गाय को जो गर्भवती किया जाता है उससे नस्ल खराब होती है और 3 नस्ल के बाद तो गाय दूध देना भी नहीं संभव होता है। तो इस नस्ल को वापस सुधारें तो प्राकृतिक तरीके से ही उसको गर्भाधान कराएं, उसके लिए सांड उपलब्ध कराएं। और ये इंजेक्शन देने वाले डॉक्टरों को पता नहीं मन में अंतरात्मा झकझोरती है कि नहीं, टाइम बेटाइम इंजेक्शन लगा दिया, सोचो क्या होगा। हालांकि वो डॉक्टर मानते हैं कि हमने फिजियोलॉजी पढ़ा है, एनाटॉमी पढ़ा है, लेकिन इतने मूर्ख लोग हैं, इनको अक्ल भी नहीं है, समझ भी नहीं है कि उसी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के आधार पर मैं उनसे सवाल करता हूं, तुमको क्या मालूम टाइम आया है कि नहीं आया? बताओ ना, कैसे मालूम तुमको? कोई यंत्र है तुम्हारे पास जो ये बता सके? और बेटाइम इंजेक्शन तुमने लगा दिया तो क्या होने वाला है उस गाय का? बहुत बड़ा पाप हो रहा है इस देश में। तो ये कम से कम पाप बंद हो, इसके लिए एक हम केंद्र खोल दें यहां पे और 100-200-500 अच्छे सांड रखें जो गांव गांव उपलब्ध हो। और तीसरा बड़ा काम, यहां बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जीव दया का काम करती हैं, वो सब संस्थाएं मिलकर वहां एक अच्छा हॉस्पिटल चलाएं गाय के लिए, बैल के लिए, बछड़े के लिए, भैंस के लिए, कुत्तों के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल की जरूरत है, जैसे हमें जरूरत है उनको भी जरूरत है। उनके एक्सीडेंट होते रहते हैं, बेचारे लंगे पांव घूमते रहते हैं, कोई तो चाहिए जो उनकी सेवा करे, सारवार करे। तो एक अच्छा हॉस्पिटल हो सकता है, पशु चिकित्सालय हो सकता है और डॉक्टर भी अच्छे हैं जो वहां पर सेवा दे सकते हैं। और सबसे बड़ा काम यह हो सकता है कि भारत के काश्तकार को, शेतकरी को ट्रेनिंग देने का, गाय को कैसे रखना, अभी तो हम भूल गए। जो शेतकरी उसको इंजेक्शन लगवा सकते हैं इसका माने तो वो भूल गए सब कुछ, फिर गाली देते हैं गाय दूध नहीं देती, देगी कैसे? तुम गाय के मन मर्जी से करो तो वो दूध दे तुम्हें, तुम उसके मन के खिलाफ जाओगे कैसे देने वाली है? तो इतना समझ अगर हमारी कम हो गई है तो इसका माने इस पे तो ट्रेनिंग कैंप करने पड़ेंगे, किसानों के सेमिनार्स करने पड़ेंगे, सिंपोजियम्स करने पड़ेंगे, वर्कशॉप करनी पड़ेगी जिसमें उनको समझाया जाए कि भाई गाय का दूध क्या क्या तरीके से बढ़ सकता है। मैंने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया था, एक गाय मैंने लिया था आज से 6-7 साल पहले जिसको कुछ भी दूध नहीं था और उसको एक ही काम किया,
प्राकृतिक तरीके से उसको गर्भाधान शुरू किया। वो गाय ने 3 पीढ़ियां दिया और चौथी पीढ़ी अभी हमारे घर में है, वो 13 लीटर दूध देती है, और 4 पीढ़ी पहले वो कोई कुछ दूध नहीं देती, सिर्फ एक ही काम किया। और ऐसे कई छोटे छोटे काम है, जैसे गाय को रोज सुबह ज्वारी का भाखरी और गेहूं खिला दो, गुड़ खिला दो, देखो दूध कितना बढ़ता है। बिना यूरिया बिना डीएपी का घास चारा खिलाओ, दूध बहुत तेजी से बढ़ता है। पानी उसको दिन में 2 बार की जगह 4 बार पिलाओ, दूध बहुत तेजी से बढ़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बस बताने की है, किसान इसको कर सकेंगे, लेकिन बताने के लिए कोई केंद्र तो चाहिए। तो यहां चलाएंगे ना, जहां कतल खाना खुलने वाला है यहां केंद्र चलाएंगे, ये बेकार नहीं होने वाला। फिर कहेंगे जी मशीन खरीद लिया है तो क्या, बेच दो भंगार के भाव, खरीदने वाले हैं और किससे खरीदा है तुमने। कहेंगे जी मशीन हम खरीद लाए हैं तो हमारे टैक्स के पैसे की है ना, या तुम्हारे गांठ से लाए हो, पूछो ना इनको। मशीन तो हमने टैक्स दिया, उस पैसे से लाए हो, हम कहते हैं बेच दो भंगार के भाव, तुम कौन हो तो परेशान होने वाले हो, हमारा टैक्स का पैसा है। और कोई खरीदता नहीं तो हम खरीद लेंगे वापस। क्योंकि मैं आपको एक जानकारी दूं, इंजीनियरिंग में कोई भी मशीन कभी भी बेकार नहीं होती, उसका स्वरूप बदल के आप उसको कोई भी दूसरे काम में ले सकते हैं। अभी जो मशीन आई है वो काटने के लिए है, इसके ब्लेड निकाल दो तो वही मशीन दूसरे काम करेगी, कुछ बेकार नहीं होने वाला उसमें। ब्लेड को आप बेचना हो तो बेच दो, नहीं तो उससे भी दूसरे काम कर सकते हो। जो पशु प्राकृतिक मौत मर रहे हैं उनकी चमड़ी उतारने में यही ब्लेड काम आएंगे। तो मशीन बेकार नहीं है, बिल्डिंग बेकार नहीं है, दोनों काम में आएगा। और नगर पालिका कहे कि जी इसका पैसा कौन देगा, तो उनसे कहो कि किसके पैसे से बनी है, पूछो ना नगर पालिका कहां से पैसा लाई है। कहेंगे केंद्र सरकार की सब्सिडी है, केंद्र सरकार ने सब्सिडी कहां से दिया है, हमने इनकम टैक्स भरा है उसमें से दिया है, हमने सेल्स टैक्स भरा उसमें से दिया, हमने सर्विस टैक्स दिया उसमें से दिया है, केंद्र सरकार कहां से लाई, उनके पास क्या पैसा पेड़ पे उगता है। भारतवासी हैं जो हर साल टैक्स भरते हैं उसमें से वो सब्सिडी देते हैं, तो हमारा पैसा है, हम तय कर रहे हैं कि इसको क्या करना है। और अगर वो कहते हैं कि जी ये बिल्डिंग में हमने कहीं से कर्ज लेके बनाया है, तो ठीक है बिल्डिंग हम खरीद लेंगे। और मैं मानता हूं कि सोलापुर में मेरे जैसे लोग अगर झोली फैला के भीख मांगने निकल जाएं तो इतना तो इकट्ठा हो ही जाएगा जितना बिल्डिंग का चुका सके। सोलापुर अभी इतना गरीब नहीं हो गया है, इतने जीवदया प्रेमी तो यहां निकल ही आएंगे, जो 10-10 रुपए भी दान करेंगे, 100-100 रुपए भी दान करेंगे तो बिल्डिंग का पूरा पैसा निकल आएगा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, हम इन सब प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। हमारी मान्यता है, हमारी सभ्यता है, हम कहीं तक भी जा सकते हैं उसके लिए। और ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाए कि ये हमारी मान्यता का प्रश्न है, ये टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ही इसके लिए बहुत कुछ कर देंगे। आदमी जो है ना मान्यता के लिए ही जीता है, और वो जिंदा तभी तक रहता है जब तक उसकी मान्यता जीवित है, उसी दिन मर जाता है जिस दिन मान्यता चली जाती है उसकी। तो आप अपनी मान्यता को जीवित रखें, भारतीयता को जीवित रखें। जो सभ्यता हमने पाई है सच में अनमोल है। दुनिया के बहुत सारे देशों की सभ्यताओं का अध्ययन करने के बाद अब मुझे लगता है कि भारत सच में महान है। पहले मुझे लगता था ये लोग कहते हैं भारत महान है, भारत महान है, क्या महानता है इसमें। महानता ये है कि हम पुनर्जन्म में मानते हैं और वहां से सब कुछ हमारा व्यवस्थित निकलता है, और दूसरे मानते ही नहीं है तो वहां से सब टेंशन ही टेंशन निकलता है। पुनर्जन्म में से टेंशन नहीं निकलेगा कभी, टेंशन निकलता है जब एक ही जन्म है, तो स्ट्रेस निकलता है एक ही जन्म में से। पुनर्जन्म में से तो शांति 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 ही निकलती है। ये है हमारी मान्यता, ये हमारी मानता है कि जब विपत्ति आती है, तकलीफ आती है, तो सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का बलात्कार नहीं करते, एक दूसरे की चोरी नहीं करते। मैं कहता हूं एक आखिरी बात और फिर खत्म करता हूं। मेरा एक दोस्त है, अमेरिका में रहता है, थोड़े दिन पहले उसने मुझे ईमेल किया, कैलिफोर्निया के पास एक गांव में रहता है, कैलिफोर्निया स्टेट में रहता है एक गांव में। तो उसने मुझे ईमेल किया और बोलता है राजीव भाई मेरा घर जल गया। तो मैंने कहा सो व्हाट, जल गया तो जल गया, क्या फर्क पड़ता है। उसने कहा नहीं नहीं मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ। उसने कहा जब मेरा घर जला तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड आ गया और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई,
फिर तुरंत ही इंश्योरेंस कंपनी वाले आ गए, चेक लिख के दे के चले गए। फिर पुलिस आ गई, मेरे घर में FIR नोट करके चले गए। तो मैंने कहा फिर क्या है? उसने कहा मेरा पड़ोसी नहीं आया। मैंने कहा भाई तू अमेरिका में रहता है, भारत नहीं है ये। अमेरिका में घर जलता है तो सब कुछ आता है, पड़ोसी नहीं आता। और भारत में अगर घर जल गया तो कोई नहीं आएगा, सबसे पहले पड़ोसी आएगा। फायर ब्रिगेड वाले कहेंगे अभी पानी नहीं है टैंक में, 2-3 घंटे बाद पानी भर के आएंगे। पुलिस कहेगी हमको फुर्सत नहीं है, यहां आओ और FIR कराओ। सरकार कहेगी 2-3 साल बाद इंश्योरेंस का पेमेंट होगा। कोई नहीं आएगा, पड़ोसी पहले आ जाएगा। ये तो सभ्यता है, इसी सभ्यता को बचाने की लड़ाई है ये, जो दूसरे देशों के पास नहीं है। जॉर्ज बुश और अमरीका इससे वंचित है और हमारे पास ये है। जो है अच्छा है तो बचा के रखना है, और कहीं खराब हुआ है तो अच्छा बनाना है। हमारी सभ्यता में कहीं कुछ खराबियां आ गई हैं तो उसको अच्छा बनाना है, और जो अच्छा है उसको संजो कर रखना है। ये ध्येय है हमारा, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो आप भी हम भी सब मिलके करें, शायद हो जाए। और ये होने में असंभव कुछ नहीं है। यहां आपने मंच पे देखा था हमारे 2 कार्यकर्ता राजकुमार बरड़िया और संदीप वैद, ये अमरावती से आए हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने वहां एक कत्लखाना बंद कराया। और ऐसा ही अमरावती महानगर पालिका ने प्रस्ताव किया, बिल्डिंग बनना चालू हो गया, मशीनरी खरीद ली गई, सारे कुतर्क जो यहां है वो वहां भी थे। लेकिन वहां जब समाज इकट्ठा हो गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया तो नगर महापालिका ने सरेंडर कर दिया, प्रस्ताव भी वापस हुआ, मशीन भी चली गई, बिल्डिंग भी वैसे। तो अमरावती में हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। दुनिया में कहीं भी कोई काम असंभव नहीं होता। करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है, महत्व इस बात का है। आप थोड़ा संकल्प ले लें, गांव के लोगों ने संकल्प ले लिया है, 11 गांव वालों ने संकल्प ले लिया है, और थोड़े दिन में 10-20 गांव इसमें जुड़ जाने वाले हैं। बस संकल्प बढ़ता चला जाएगा, काम हो जाएगा। अब इसमें टेक्निकली एक छोटा काम करने की जरूरत है कि महानगर पालिका में जो नगर सेवक हैं इनको एक एक को समझाने की आवश्यकता है। हो सकता है बहुत सारे नगर सेवक इसी भ्रम में हो, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, कि बेकार है तो काट दो, क्या फर्क पड़ता है। तो उनको यह बताने की जरूरत है, हो सकता है वो समझ जाए, क्योंकि यह मन ही मानना चाहिए कि यहां जितने भी हैं वो सब बहुत ही समझदार होंगे। उनकी समझ दूसरे तरह की हो सकती है, तो अगर हम उनको ठीक कर पाए समझ के स्तर पर तो वो हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि हमारा उनसे कोई झगड़ा थोड़ी है। हम तो सभ्यता और मान्यता की बात लेके जा रहे हैं, व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है। कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का, कोई राष्ट्रवादी का है, कोई शिवसेना का, ठीक है, जो जहां है रहे। हमारा तो प्रश्न उससे बड़ा है, बीजेपी से बड़ा है, कांग्रेस से बड़ा है, राष्ट्रवादी से बड़ा, शिवसेना से बड़ा, क्योंकि सभ्यता मान्यता का प्रश्न है। तो बड़े प्रश्न है तो उसी बड़े फलक पे हमें हल करने। तो ऐसी एक विनती मैं आपसे करने आया कि आप इस काम को बहुत महत्वपूर्ण मानकर जीवन में बहुत ऊंचे स्थान पर इसको दर्जा देकर थोड़ा प्रयास करें तो जरूर हो जाएगा। आप जितने लोग यहां हैं रोज अगर 1 घंटा भी इस काम में लगाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं ये काम हो जाएगा। कुछ असंभव नहीं है इसमें, बस एक बार आपको खड़े होने की बात है। अब खड़े कैसे हों, कभी नगर महापालिका में बड़ी बैठक होगी तो आप सब लोग कम से कम उस दिन नगर पालिका के सामने उपवास करें, सैकड़ों की संख्या में करें। माताएं भी हों, बहनें भी हों, पुरुष भी हों, बच्चे भी हों, उसका नैतिक असर बहुत होता है, बहुत होता है। गांधी जी हमेशा इसका इस्तेमाल करते रहे, उसमें हम तो शुद्ध होते ही हैं, सामने वाले पर असर बहुत होता है। तो अगर नगर महापालिका में ऐसा कुछ होता है, आपने किया, कौन जाने उसी दिन नगर महापालिका में प्रस्ताव वापस हो जाए तो सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। ऐसे ही इन नगर सेवकों के घर घर जाकर उनको कन्विंस करना इस बात से, वो भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए ये अपने कार्यकर्ताओं ने एक छोटी CD बनाई है, वो आप सबको दिखा दीजिए कि कत्लखाने में होता क्या है अंदर। एक बार कोई देख लेगा अंतरात्मा हिल जाती है। और नगर सेवकों के पत्नियों को और उनके बच्चों को पहले दिखा दीजिए। हां, ये मैं अनुभव से कह रहा हूं आपसे कि
किसी को अगर ठीक करना है ना तो उसकी पत्नी और बच्चों के रास्ते से करिए, बहुत आसानी से होता है। सीधे कहेंगे तो बहुत अहंकार में बात करें। मनुष्य का जो स्वभाव है ना वो सांप जैसा होता है। सांप आपने देखा है ना, सड़क पे चलेगा ऐसे ऐसे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधे कभी नहीं चलता। जब घर में घुसता है बिल्कुल सीधे जाता है, घर में टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी बीवी को उसकी बहुत सारी पोल मालूम है, बच्चों को सब मालूम है, इसलिए बीवी बच्चों के सामने टेढ़ा नहीं रह सकता, एकदम सीधा है। तो जहां वो सीधा है वहीं चोट करिए ना। तो उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को आप दिखा दीजिए, देखो कत्ल खाना कैसा होता है, वो अपने पति को या अपने पिताजी को कन्विंस कर लेंगे, आप लड़ाई जीत लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। और बहुत अच्छा होगा जब आप ऐसा कोई धरना प्रदर्शन करें तो उनकी पत्नी और बच्चे भी उसमें शामिल हों कि बंद करो ये, बिल्कुल संभव है, इसमें असंभव जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आखिरकार वो सब भारतीय हैं, सभ्यता में उनके वही मन में है कि पुनर्जन्म होगा। पूछ लो नहीं तो जाके, मानेंगे तो वो भी कि पुनर्जन्म होगा, तो तुमको अगली बार गाय का जन्म मिला और ऐसे ही कत्ल खाने में काटा तो आएंगे आपके साथ। ये जरूर होगा कि उनके ऊपर अपनी अपनी पार्टियों का थोड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि पार्टियां बहुत अहंकार में डूबी हुई है, पार्टियों को ऐसा लगता है कि सारा देश वही चला रहे हैं। वास्तविकता यह है कि देश अपनी गति से चल रहा है, पार्टियों का उसमें कोई योगदान नहीं। आप देखो ना, इस देश में जन्म होते हैं, शादी होते हैं, ब्याह होते हैं, मरण होते हैं, पार्टियों की क्या भूमिका है उसमें, है कुछ? तो देश तो अपनी गति से चल रहा है, पार्टियों को यह अहंकार हो गया कि हम देश चला रहे हैं, हालांकि वो देश को डुबो रहे हैं, चला क्या रहे हैं। 58-59 साल से हमने सबको देख लिया है, एक ने खड्डे में डाला, दूसरा उसने उससे ज्यादा खड्डे में डाल दिया। तो इनको ये अहंकार है, उस अहंकार के तहत वो दबाव डालेंगे, वो दबाव से आपको थोड़ा दो चार होना पड़ेगा, उसमें ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं आने वाली, आप अपने स्टैंड पे खड़े रहिए बस।